नीचे बैठ जाओ, बस सुनते रहो लेक्चर बैठ के। हैं बाहर जाना तो बाहर चले जाओ, वो आप ही के पास जाके बैठ जाओ। जाना बस, फिर इधर बैठना तो इधर बैठ जाओ। हाँ अच्छा जी, तो ये सब इंस्पेक्टर्स का बैच है। आप लोगों के पास पेपर्स मैंने अभी बर्ड आई व्यू में देख लिए, तो जो टॉपिक्स मुझे उसके अंदर नजर आए, मैं कोई पिछले 3-4 सालों के पेपर्स मेरे सामने आए, 2015, 16 और 17 का, तो कोई बड़ा हाई फाई लेवल का मैथ तो नहीं है आपका, CSS के पैटर्न पे तो नहीं है, लेकिन जो जो टॉपिक्स हैं बेसिक्स तो वो कराता हूँ। राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आप सबसे पहले तो बेसिक्स में आपको कुछ चीजें पता हों, वो ये पता हों कि बेसिक बेसिक सारे नंबर्स का आपको पता हो, बेसिक नंबर्स आप जानते हों जी, कहीं भी पूछ ले उनमें से MCQs, तो आपको पता हो, आप लिख ले नंबर्स थ्योरी, नंबर्स थ्योरी, नंबर्स थ्योरी। काशिफ क्या हाल है? ले आए? वो मैंने कुछ कहा था ना, आप इधर ही थे या उसके पास? अच्छा ठीक, बस वो भिजवा दो, मुझे चाय का कप दे दो। हाँ शोर शोर नहीं करो ना। अच्छा जी, तो आप लिख लें जी नंबर्स थ्योरी। तो नंबर थ्योरी में बेसिक बेसिक नंबर्स के बारे में आपको पता हो, सबसे पहले आप लिखो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से जाहिर करते हैं, ये शुरू होते हैं वन से जी, 1, 2, 3, 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं। मैं आपको बोल दूं जी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखो, तो आपको पता चल रहा है यार नेचुरल नंबर कह रहे हो, तो वन से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट 5, ठीक है। इसी तरह मैं आपको कहूं जी होल नंबर्स, होल नंबर्स W से जाहिर करते हैं, ये शुरू होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको बोलूं राइट सेट ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स, राइट सेट ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स, इसका मतलब आप क्या लेंगे, 0, 1, 2, क्यों आप 3 नहीं, क्योंकि हमें पता है ना होल नंबर 0 से शुरू होते हैं ना, 0, 1, 2, तीन पूरे हो गए ना। मैं बोलूं फर्स्ट 4 होल नंबर्स, तो क्या करोगे आप, फौरन जहन में होल नंबर कह रहे, होल नंबर तो शुरू होते हैं 0 से ना, 0, 1, 2, 3, 3 पे 4 पूरे हो जाते हैं, फर्स्ट 4 होल नंबर्स का ये मतलब हो, मेरी बात समझ रहे हो। इसी तरह आप लिख लें एक और नंबर, लिखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर P से जाहिर कर दो, लिखें आप नंबर, नंबर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ एंड वन ऑनली, इटसेल्फ एंड वन ऑनली। लिखे मैं समझा देता हूं, नंबर ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल By itself and one only, itself and one only, नंबर जो खुद रहता है, तो फिर लिखो ना प्राइम नंबर में इसको, ठीक है, ठीक है। वन नहीं है भाई मलिक फिरोज, वन नहीं है, मैंने कहा नंबर ग्रेटर देन वन, नंबर ग्रेटर देन वन, ठीक है। अच्छा थ्री,
थ्री खुद से डिवाइड होता है, थ्री डिवाइड बाई थ्री वन आता है, थ्री वन से भी डिवाइड होता है, थ्री आंसर आता है, तो थ्री भी लिखो ना फिर प्राइम नंबर। ठीक हो गया जी। इसी तरह फाइव लिखें, फाइव खुद से भी डिवाइड होता है वन से भी। सिक्स लिखूं जी, सिक्स सिक्स लिखूं ना लिखूं, इसलिए कि सिक्स तो खुद से डिवाइड होता है वन आंसर, सिक्स तो वन से भी डिवाइड होता है सिक्स आंसर, सिक्स तो टू से डिवाइड होता है थ्री आंसर, सिक्स तो थ्री से भी डिवाइड होता है टू आंसर। हमने डेफिनेशन में यह तो नहीं कहा हुआ कहीं भी कि जो टू से भी डिवाइड हो थ्री से, हमने तो कहा था बस खुद से हो और वन से हो, तो इट मीन्स सिक्स ना लिखो, ये तो टू से भी डिवाइड हो रहा है थ्री से भी हो रहा है। ठीक है जी। सेवन लिखूं, एट ना लिखूं, एट ना लिखूं क्यों, एट तो फोर से भी डिवाइड होता है, एट तो टू से भी डिवाइड होता है, हमने तो कहा है बस खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड। मेरी बात समझे हो आप? ठीक है, इसी तरह अलेवन लिख सकते हैं आप, एंड सो ऑन। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से वाले हैं। इज इट क्लियर नाउ? कि वन से बड़े होने चाहिए, यानी कहीं भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछे ना आप, या अक्सर कह लेता है विच इज दी ऑनली इवन नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम, कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, तो आपको प्राइम की डेफिनेशन आती होगी नंबर ग्रेटर देन वन, विजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, तो उसमें टू आता है ना, टू इवन भी है ना, तो प्राइम भी है, तो इस तरह से बना लेता है ऑब्जेक्टिव्स। बात समझे हो? इसी के साथ नेक्स्ट लिखो एक और, आप लिख लें एंटीजर्स, एंटीजर्स आई से जाहिर कर दो, एंटीजर्स आई से जाहिर कर दो, ये जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सो ऑन एंड सो फोर्थ, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन, यानी कहने का मतलब ये पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक हो गया। अच्छा मसलन अब वन बाई टू है, ये नहीं लिखेंगे हम इंटीजर्स, वन बाई टू इज नॉट इंटीजर। ठीक है, इसी तरह वन बाई थ्री इज नॉट इंटीजर, हमने कहा है पूरा पूरा नंबर होना चाहिए पॉजिटिव को या नेगेटिव को, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए पॉजिटिव को या नेगेटिव को। ठीक है, और इंक्लूडिंग जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन होता है। बात समझे आप? नेक्स्ट दो और इंपॉर्टेंट नंबर है जी, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आप लिखें जी रियल नंबर्स, पहले लिखो रियल नंबर्स, आर से जाहिर कर दो, रियल नंबर आर से जाहिर कर दो, नहीं बख्तावर, या आपने पॉइंट फाइव लिखा है, पॉइंट फाइव नहीं ना, पॉइंट फाइव का क्या मतलब है, वन बाई टू इंटीजर तो नहीं है ना, पूरा पूरा नंबर तो नहीं है ना, मैंने लिखा ना पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जरा रियल नंबर के बारे में लिखो, आर से जाहिर कर दो, आर से जाहिर कर दो, और मैं जानबूझ के मैथमेटिकल लैंग्वेज वाली डेफिनेशन अवॉइड कर देता हूं, वो वाली डेफिनेशन लिखता हूँ जो एक आम बंदा समझ सकता है, मैथमेटिक्स वाले तो समझ जाएंगे मैं लिख दूं अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लेकिन एक आम बंदे को नहीं समझ आती, आप सिंपल जुबान में लिख लेना उसको बिल्कुल। आप यूं लिखो लार्जर नंबर्स, स्मॉलर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, और इसी तरह आप लिख लें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, डेसिमल्स, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं यार ये रियल नंबर्स, इन सब को हम मिला कर कहते हैं ये रियल नंबर्स, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो स्मॉलर हो लार्जर हो फ्रैक्शंस हो डेसिमल्स हो, सब को मिलाकर हम कहते हैं ये रियल नंबर। मसलन किस तरह, देखो इधर जरा,
फॉर एग्जाम्पल मैं बोल लूं 70,000, मैं बोलूं 1,00,000। मैंने ये कहा है कि आपके पास मलिक फिरोज, मैं अभी रिकरिंग की बात नहीं किया, मैं थोड़ी देर बाद जाके बताता हूँ, है अभी उस पर मैं गया नहीं। अच्छा मैंने कहा जी इनफाइनाइट होते हैं रियल नंबर, किस तरह इनफाइनाइट होते हैं? देखो ना मैं आपको कहूँ जी 0 से 1 पे आपने जाना है, तो आपको कितने नंबर गिनने पड़ते हैं बीच में? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, सो ऑन एंड सो फोर, 0.9 और फिर 1 आता है। यानी 0 से 1 पे जाने के लिए हमें इतने सारे नंबर्स गिनने पड़ते हैं बीच में, इतने सारे नंबर्स गिनने पड़ते हैं बीच में। तो हम कैसे गिन सकते हैं जब 0 से 1 पे जाने के लिए अभी इतने सारे गिनने पड़े? अभी तो मैंने वो वाले गिने ही नहीं, अभी तो मैंने वो वाले गिने ही नहीं भाई, वो जो 0.001, 0.002, वो तो अभी गिने ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। इसी के साथ पैरेलल में आप लिख लें जरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपको रियल नंबर की ओर नेचर वाजी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें जरा, सी से जाहिर कर दूं, ये होते हैं जी रियल नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है जी। अच्छा रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है? रियल की तो अभी हमने बात की है, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स ये क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर हमें समझ आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं सी से जाहिर कर देता हूँ, रियल नंबर बहुत सारे हैं, मैं इतने तो नहीं लिख सकता, मैं उसको कोई एक लिख देता हूँ, ए ए, और इधर प्लस, इधर प्लस ये वाला अपनी जगह मौजूद, इमेजिनरी नंबर को मैं बी से जाहिर कर देता हूँ। लेकिन फर्क तो कोई नहीं नजर आ रहा, रियल और इमेजिनरी में फर्क तो कोई नहीं नजर आ रहा, तो फिर रियल और इमेजिनरी में फर्क कैसे करना है? फर्क करने के लिए इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी नंबर के साथ इधर हम एक लेटर यूज कर लेते हैं आयोटा, एक लेटर यूज कर लेते हैं आयोटा, ये आयोटा, ठीक है जी। अब आयोटा क्या है, मैं जरा आयोटा के ऊपर डिबेट कर देता हूँ, क्योंकि शायद ये कुछ लोगों के लिए नई टर्म हो ना, तो मैं इस पे डिबेट कर देता हूँ जरा, ताकि आपको याद रह जाए। मैं ये बोल रहा हूँ आयोटा, आयोटा के बारे में पहली बात, ये कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की मैंने, ये कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की, ये तो कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है, ये तो कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है भाई, आयोटा कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैं आपको मिसालें देता हूँ, देखे ना कॉमन डॉन न्यूज़पेपर में आपके पास लिखा हुआ आता है, राव तैयब मैं आता हूँ जरा पाई के ऊपर भी आता हूँ, थोड़ा सा सब्र करेंगे हैं।
उसके ऊपर भी आता हूँ, मैं डिस्कशंस में ला रहा हूँ पाई को भी। अच्छा, मैंने कहा है सारे रियल नंबर हैं, बस सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये सिर्फ साथ लगाएंगे, जिधर आयोटा लगा होगा ना वो इमेजिनरी पार्ट जिधर होगा, तो बस वो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर थे। तो पाई की बात भी करते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आगे रेशनल रेशनल में डिस्कशन करता हूँ उस पर भी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं जी, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल तो अभी हमने डिस्कशन की है, इमेजिनरी क्या है, इसके लिए मैंने कहा साथ आयोटा लिखते हैं। अब आयोटा क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि आयोटा अंग्रेजी का लफ्ज है, ये कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी तो नहीं है। किस तरह अंग्रेजी का लफ्ज है, मैं डेली लाइफ से एग्जाम्पल देता हूँ। आप डॉन न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो लिखा होता है यार आयोटा ऑफ डाउट्स, आयोटा ऑफ डाउट्स। मैं और मिसाल दूं, इमरान खान की आपने स्पीच सुनी हो यूएन असेंबली में, तो जब वो 4 पॉइंट्स दे रहा था ना, 4 पॉइंट्स जब इमरान खान ने दिए, तो जब टेररिज्म पे बात कर रहा था यूएन असेंबली में, तो अगर उसकी तकरीर आप देखें ना आज भी सुने, तो उसमें जब टेररिज्म की बात हुई है तो कहते हैं इंडिया में टेररिज्म का आयोटा ऑफ प्रूफ दे दे, आयोटा ऑफ प्रूफ दे दे, यानी बहुत माइन्यूट सा प्रूफ दे दे कि हम कार्रवाई करें। हम पे जो इल्जाम लगाता है इंडिया टेररिज्म का, हमें आयोटा ऑफ प्रूफ दे दे, मतलब बहुत माइन्यूट सा, माइक्रो लेवल पे, बात समझ रहे हो। तो आयोटा का मतलब ये लफ्ज ही तब इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में जब माइक्रो लेवल पे बात करनी हो। कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ या मैं एक और मिसाल दूं, पीटीआई की होगी या मैं फिर नून लीग की मिसाल देने लगूं, है? आपने जब नवाज शरीफ पे जेआईटी बनी थी ना, नवाज शरीफ पे जब जेआईटी बनी थी, उसका बेटा जेआईटी के सामने पेश हुआ था, बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवाज शरीफ के बेटे ने जेआईटी के सामने जब पेश हुआ। आज भी आप गूगल करके चेक करें, क्या था, जेआईटी विल नॉट बी एबल टू प्रूव एन आयोटा ऑफ करप्शन अगेंस्ट शरीफ फैमिली, जेआईटी विल नॉट बी एबल टू प्रूव एन आयोटा ऑफ करप्शन अगेंस्ट शरीफ फैमिली। क्या मतलब है, उसकी बात के कॉन्टेक्स्ट पे गौर करो, आयोटा ऑफ करप्शन अगेंस्ट शरीफ फैमिली, मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे भी करप्शन साबित नहीं कर सकती जेआईटी। उसकी बात का कॉन्टेक्स्ट तो ये बन रहा था ना, तो पता ही चला आयोटा का लफ्ज ही तब इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में जब माइक्रो लेवल पे बात करनी हो। इट मींस आयोटा जब हमने लगाया है तो ना साथ, ये तो माइक्रो लेवल पे मतलब इसका होता है जी, हमने तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझा, यानी जब आप माइक्रो लेवल पे बात करते हैं तो तब आप आयोटा की बात करें। तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी नंबर्स फिर कौन से नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर का ये मतलब नहीं है कोई इमेजिन किए हुए हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स की दुनिया में, क्वांटम पार्टिकल्स की दुनिया में। क्वांटम पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल कौन से होते हैं, मसलन इलेक्ट्रॉन, मसलन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सुना होता है हा? नहीं तो इधर साइंस में मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में एटलीस्ट सब जानते होते हैं आर्ट्स वाले भी, तो एक छोटा सा पार्टिकल है। कहने का मतलब माइक्रो माइक्रो वर्ल्ड में, क्वांटम वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया जी। कभी इसकी वैल्यू पूछ ले आयोटा की, इसकी वैल्यू अगर पूछ लेना कभी, तो वो भी बता देता हूँ जी वैल्यू क्या है। मैं एक मिसाल से समझाता हूँ, एक मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर मैं लिखू ना एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है ना मेरे पास, कोई भी मैंने इक्वेशन कंसिडर कर ली मैथ की, तो एक्स निकालना पड़े तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, क्यों, इक्वल के एक तरफ कोई चीज ऐड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, एक तरफ कोई चीज ऐड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, ठीक है। तो मैं यही किया, इधर प्लस हो रहा था वन, उधर जाके माइनस कर दिया। एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते होते ना, तो ये खत्म हो जाएगा इसके साथ, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। आप जरा करके देखें, कैलकुलेटर पर करके देखें, बेशक माइनस वन का स्क्वायर रूट करें ना आप तो कैलकुलेटर चुप हो जाता है, तो समझ जाया करो, जिधर कैलकुलेटर चुप हो जाए ना बस आ गया आयोटा, फिर आ गया आयोटा, जिधर कैलकुलेटर चुप हो जाता है तो समझ जाया करो इमेजिनरी नंबर है। आप करके देखना माइनस वन का स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर कोई आंसर नहीं, कहता मैथ एरर, सिंटैक्स एरर है, आप करके देखें तो सही,
आप -1 कसी के रूट करें ना, या वो कहेगा मैं नहीं बताऊंगा, है ठीक है, बात समझ रहे मेरी? तो कहने का मतलब है कि आयोटा की वैल्यू फिर क्या हुई, आयोटा की वैल्यू हुई स्क्वायर रूट ऑफ -1, कभी पूछ ले तो आपको आप डायरेक्ट पता हो कैसे, यहां से मैंने बताया ना इसके पीछे डिस्कशन ये है, ठीक हो गया? और खाने मुश्किल है अच्छा जी, नेक्स्ट लिखें। रेशनल एंड इरेशनल नंबर जरा लिखें, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यू से जाहिर कर दूं, इरेशनल इनको क्यू प्राइम से जाहिर करते, इरेशनल क्यू प्राइम से जाहिर करते, रेशनल नंबर क्यू इरेशनल अच्छा जी, तो पहले जरा रेशनल नंबर के बारे में लिखो। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप लिखे मैं समझा देता, बताता हूँ 1 मिनट। मिनट जस्ट मुझे आप 1 मिनट देंगे? हाँ आई एम बैक विद इन 1 मिनट। अच्छा तो हम बात कर रहे थे रेशनल और इरेशनल पे, रेशनल एंड इरेशनल ने। राव तैयब सर वाई फ्लेक्स नंबर को किसने बनाया था, इन्वेंट? राव तैयब यार ये प्योर मैथ की चीजें नहीं पूछता वो आपसे। बहरहाल ये एक इटली का साइंटिस्ट था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात जिसने सबसे पहले कर ली, कार्नेडो नाम था।
वो इतनी प्योर मैथ में नहीं जाता, वो आपसे जनरल मैथ पूछते हैं ना। तो वैसे ये इटली का बंदा था, एक कार्नेडो, कार्नेडो, हाँ कार्नेटो ना लिखा ना। वैसे प्योर, ये प्योर मैथ की बात है, वो प्योर नहीं पूछता आपसे, जनरल चीजें पूछते हैं, राइट। सर हमारा भी मिल्क शेक पीने का दिल कर रहा है, तो घर में बना के पियो ना। है? अच्छा चलो, रेशनल इरेशनल, इरेशनल और रेशनल नंबर्स की बात कर रहे थे ना, इन दोनों में फर्क जानना चाहते हैं। तो मैंने पहले लिखा नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा वो नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते, अच्छा पी और क्यू से हमें कोई सरोकार नहीं है, पी और क्यू से हमें कोई सरोकार नहीं है, हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं बस हमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का पता हो, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का पता हो, ठीक है। और पी और क्यू क्या है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को शो कर रहे हैं। न्यूमिरेटर डिवीजन से ऊपर होता है, डिनोमिनेटर डिवीजन से नीचे होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब मैंने लिखा क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, जीरो के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को आप जीरो से डिवाइड करेंगे ना, किसी भी चीज को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी के बारे में मैथ में हमें पता ही नहीं क्या चीज है, आप करके देखें ना कैलकुलेटर पे, किसी भी चीज, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें ना तो वो आंसर ही नहीं करता, इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं क्या चीज है इन्फिनिटी। मैथ में कहते हैं बहुत बड़ा नंबर है लेकिन ये नहीं पता कि है क्या, तो जब हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी, इसलिए फिर उस इन्फिनिटी वाली कंडीशन से बचने के लिए हमने इधर शर्त रख दी, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। इसी का उल्ट कर रहे हो तो इरेशनल बन जाता है। लेकिन एक मसला है, पाई के बारे में सुना हुआ आप लोगों ने, पाई, पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7। सैयदा फरहान, सैयद फरहान रजा है सर, इन्फिनिटी मैथ में बरमूदा ट्रायंगल है फरहान रजा, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात आपने करनी भी नहीं। हाँ इन्फिनिटी से मुराद कोई बरमूदा ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा तो पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अच्छा 22/7 न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर 7 है, 7 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0, न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पाई को रेशनल हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पाई को रेशनल हो जाना चाहिए। नहीं करो ना मुझे, तो बैठ जाओ ना आराम से यार, हैं बैठो आराम से बैठो, नहीं वो फिर बंद हो जाती है ना सिटिंग, बैठ जाओ। अच्छा मैंने कहा जी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 7 है, 7 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0, न्यूमिरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, डिनोमिनेटर 0 भी ना हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पाई को रेशनल हो जाना चाहिए। लेकिन मैथ में पाई को फिर भी इरेशनल कंसीडर करते हैं, पाई फिर भी इरेशनल कंसीडर होता है जी, तो इसका मतलब है या तो हमने डेफिनेशन ही सही नहीं लिखी, या फिर हमें अभी समझ नहीं आई कि रेशनल और इरेशनल में फर्क कैसे करना है। डेफिनेशन ठीक है, हमें अभी समझ नहीं आई कि रेशनल और इरेशनल में फर्क कैसे करना है, इसलिए थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, ताकि हमें पता तो चले ना रेशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। पाई चैलेंज बन के सामने आ गए, पाई चैलेंज बन के सामने आ गए, तो इसलिए हमें मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो आप लिखें जरा सेकंड स्टैंडर्ड इसी का, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, डेसिमल की बुनियाद, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, डेसिमल की बुनियाद। ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल भाई ये कोई अलग चीज नहीं पढ़ा रहा,
रेशनल और इरेशनल की हमें समझ जो नहीं आई, इसलिए और पढ़ रहे ना, और स्टैंडर्ड देख रहे हैं यार। रेशनल और इरेशनल दोनों वाजे तो हो ना, दोनों में फर्क ही नहीं पता चला अभी तो, इसलिए मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है ना। हाँ अच्छा जी, तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल्स, तो लिखें आप डेसिमल जो है ना ये दो किस्म के होते हैं। डेसिमल दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल दो किस्म के जी भाई, हम रेशनल और इरेशनल दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं ना, दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने कहा जी टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग, इनके आगे जरा पहले आप ब्रैकेट में लिखो क्यू, पहले ब्रैकेट में लिखो क्यू, फिर मैं समझाऊं मिसाल से। क्यू लिखो, क्यू किसके लिए है? रेशनल के लिए है ना भाई, क्यू किसके लिए? रेशनल के लिए। तो टर्मिनेटिंग के आगे जरा लिखो क्यू, फिर मैं मिसाल दूं। टर्मिनेटिंग खत्म होने वाले, टर्मिनेटिंग खत्म होने वाले, यानी वो डेसिमल्स जो खत्म होते हैं उनको हम रेशनल कहेंगे, क्यू कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर 1/2, जवाब आता है 0.50, आगे तो डिजिट नहीं चल रहे होते ना। 1/2 जवाब क्या आता है? 0.50, जवाब क्या आता है? 0.50। तो 0.50 ये टर्मिनेट कर गया ना, खत्म हो गया ना, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स हैं वो रेशनल होते हैं, क्यों होते हैं, इसलिए मैंने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल, क्यों। तो मैं मिसाल दिया ना, 1/2 दैट इज 0.50। ठीक हो गया जी, उधर बैठो ना, नाया तंगी करना, उधर बैठो। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके आगे दो क्लासिफिकेशंस बनाओ जी, दो क्लासिफिकेशंस बनाओ नॉन टर्मिनेटिंग के आगे, दो क्लासिफिकेशंस बनाओ जी। एक लिखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फर्स्ट, सेकंड लिखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दो किस्म के जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। लिखें फिर मैं मिसालें दूं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसके आगे आप जरा ब्रैकेट में लिख लो, क्यों लिखो इनके आगे ब्रैकेट में? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग ब्रैकेट में लिखो क्यों, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ब्रैकेट में लिखो क्यू प्राइम। ये दोनों लिखो जरा, फिर मैं मिसालों से समझाता हूँ। आप समझते हैं ना क्यू किसके लिए और क्यू प्राइम किसके लिए है? भाई क्यू रेशनल के लिए है ना, रेशनल के जाहिर किया ना, क्यू प्राइम इरेशनल के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नाम पे गौर करो, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग ना खत्म होने वाले और रिपीट होने वाला। रिकरिंग मीन रिपीटिंग ना, रिकरिंग रिपीटिंग होता है, कहते नहीं आप रिकरिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान है, रिपीटिंग ना, रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, रिकरिंग रिपीट होने वाले, ये किस में आएंगे? क्यू में, मतलब रेशनल में। मिसाल के तौर पे कैसे, देखो इधर 0.333333 सो ऑन एंड सो फोर्थ, खत्म नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रिपीट हो रहे ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग किस कैटेगरी में आते हैं? क्यू की कैटेगरी में, मतलब रेशनल, ये मेरी मुराद। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं
0.37215 सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो खत्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहे ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग से ये मुराद है मेरी, खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो रही हूं। ठीक है, तो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्यू प्राइम। क्यू प्राइम क्या है? इरेशनल। अब जरा वापस तो आओ, जिसकी वजह से आप चल के गए थे, ये डिस्कशन की थी, पाई। पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं आप लिखते हैं ना 3.1428 सो ऑन एंड सो फोर्थ, यही लिखते हो ना पाई की वैल्यू। भाई आप देख रहे हैं खत्म तो नहीं हो रहा, खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, वो क्यू प्राइम में आता है, इरेशनल में। सैयद फरहान रजा, हाँ मैं आपका आंसर करता हूँ। आप ये ना समझ लें कि सर ने कहा है कि बस 3 3 इसी को रिकरिंग बोलेंगे, ये भी हो सकता है ना। 0.12121212, ये भी हो सकता है। 0.321321321, कहने का मतलब है एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, समझ गए सैयद फरहान, ये पैटर्न रिपीट होना चाहिए ना। ये तो रिकरिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है ना, बस एक 3 3 आप रटा मार लें, साहब ने कहा था बस 3 3 करना है। ठीक हो गया। तीसरा और लास्ट स्टैंडर्ड एक और लिखो, हम रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं भाई, हम रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, डेफिनेशन काफी नहीं थी, तो फिर हमने एक और स्टैंडर्ड रखा डेसिमल की बुनियाद पे। अब एक और तीसरा स्टैंडर्ड लिखें रेशनल और इरेशनल के बारे में, तीसरा स्टैंडर्ड आप लिख लें एक, आप लिखें तीसरा स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वेयर रूट, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट की बुनियाद पे, स्क्वेयर रूट की बुनियाद पे। ठीक है, तीसरा स्टैंडर्ड है जी स्क्वेयर रूट की बुनियाद पे। सादा सी बात यह है, अगर सॉल्वेबल स्क्वेयर रूट हो ना, सॉल्वेबल स्क्वेयर रूट, उसको कहना रेशनल। क्यों? फॉर एग्जाम्पल देखो स्क्वेयर रूट 16, आपको पता है 16 4 का स्क्वेयर होता है ना, ये कट जाएगा तो 4 बाहर आता है ना, तो ये सॉल्वेबल से मेरी ये मुराद है, सॉल्वेबल से मेरी ये मुराद है। ठीक है, और इन सॉल्वेबल स्क्वेयर रूट, इन सॉल्वेबल स्क्वेयर रूट वो क्यू प्राइम होते हैं जी, इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्क्वेयर रूट 13, नीना आलोता भाई स्क्वेयर रूट से बाहर नहीं आता ना स्क्वेयर रूट 13, तो मैं बोलूंगा ये इरेशनल। यानी तीन तीन स्टैंडर्ड अपने देखे रेशनल और इरेशनल में फर्क करने के लिए, रेशनल और इरेशनल में फर्क करने के लिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा, इसके अलावा इवन और ऑड तो आपको वैसे ही पता होते ना है, इवन में कौन कौन से आते हैं भाई, 0 2 4 6 8 सो है, ये आपने भी किए हैं। अच्छा, ठीक है, 8 जी, 1 3 5 7 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं आपको ना दे दूं क्लास पढ़ाने के लिए है। अच्छा जी, इवन इवन जो है ना वो इवन होंगे 0 2 4 6 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ, 8 1 3 5 7 ये 8 में आते हैं। ठीक हो गया जी, समझ गए। तो बेसिक बेसिक नंबर्स का हमने इंट्रोडक्शन किया है। अब नेक्स्ट आप लिख लें, 5 मिनट में आपको फिर ब्रेक दे देता हूं मैं, एग्जैक्ट 5 बजे। परसेंटेज का टॉपिक भी पढ़ना हमने, परसेंटेज इसमें से भी सवाल पूछ रहे वो, तो परसेंटेज का सवाल, परसेंटेज का सवाल जब भी आए तो आपको लफ्ज परसेंट वो लाजमी लिखेगा स्टेटमेंट में, परसेंट लफ्ज लिखेगा। आपने पहला काम ही ये कर लेना है कि आपने आपने परसेंट लफ्ज को तोड़ के पढ़ना है भाई, ये पार अलग कर लेना और सेंट अलग, ये पार अलग करो ना, पार मींस दिस स्लैश, ये वही वाला पार है। आप जैसे फीस जमा कराए ना तो कहते हैं यार
30,000 पर हेड लिखते ना ऐसे, तो परसेंट में भी पर यही है, ये स्लैश डिवीजन को शो करता है, डिवीजन को शो करता है, ठीक है। और सेंट, सेंट तो सेंचुरी से निकला ना, सेंट ये सेंचुरी से निकला है, सेंचुरी मीन 100, सेंचुरी 100 को कहते हैं, ठीक है। और परसेंटेज हमेशा किसी चीज की होती है, आफ लाजमी कहेगा, आफ को आप यूं जाहिर करेंगे ब्रैकेट से, आफ को आप यूं जाहिर करेंगे। ये मैंने तीन आपको सैंपल्स बताए जी परसेंटेज, जब भी सवाल परसेंटेज के आए तो परसेंट, परसेंट जो लफ्ज है परसेंट वो तोड़ के पढ़ना आपने, पर लग सेंट लग आफ लग पर मीन दिस स्लैश, मैंने आपको मिसाल दी ना ये 30,000 पर रेट जैसे लिखते हो, सेंट सेंचुरी से है तो 100, और आफ को आप जो ब्रैकेट से जाहिर करेंगे, ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, देखना जरा, ये ट्रिक लिखी है मैंने आपके सामने इस तरह के सवालों के लिए, परसेंटेज के सवालों में। मसलन देखो इधर, फाइंड 20% ऑफ 1000, फाइंड 20% ऑफ 1000, बोर्ड पे देखना जरा इधर, 20% ऑफ 1000, परसेंट पर लग करो सेंट लग, क्या बोल रहे हो, 20% 20 पर को यूं स्लैश से, सेंट यूं 100 सेंचुरी से, ऑफ को यूं लिखना सिखाया ना, ऑफ व्हाट 1000, इधर इक्वल लगा लो, ये दोनों काटो तो 200, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें ना, 200, 200 इज 20% ऑफ 1000, 200 इज 20% ऑफ 1000, बात समझो, ये पर सेंट और ऑफ का क्या मतलब है। जब भी परसेंटेज के सवाल आएंगे ना, परसेंटेज के सवाल जब भी आएंगे तो आप परसेंटेज के सवालों को लफ्ज परसेंट वो लाजमी लिखेगा स्टेटमेंट, तो जब पर्सन लफ्ज लिखता है तो आपने लफ्ज तोड़ के पढ़ना है, पर अलग पर का ये मतलब है स्लैश, मैंने आपको मिसाल दी ना पहले, सेंट सेंचुरी से ना 100 को गए ऑफ, इस तरह ब्रैकेट से जाहिर करेंगे, क्यों परसेंटेज हमेशा किसी चीज की होती है ना, परसेंटेज किसी चीज की होती है, ठीक है। तो वही मैंने छोटी सी एक मिसाल दी आपको कि फाइंड 20% ऑफ 1000, तो देखें परसेंट लफ्ज मैंने तोड़ के पढ़ा, 20% पर सेंट 100, 20% आपको यूं ब्रैकेट से लिखना सिखाया ना ये, ऑफ बट 1000, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किसी चीज की, ये कट जाएंगे दोनों तो 200 आगे, 200 इज 20% ऑफ 1000, बात समझी हो। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, फार्मूला नहीं बताया अभी, ये तो ट्रिक बताई है, फार्मूला अभी नहीं बताया, यानी परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करते हुए आप लिखेंगे यूं परसेंट ऑफ, ये ट्रिक है, ये आपने एग्जाम में लिखनी भी नहीं होती, आपने ये आपकी अपनी आसानी के लिए ताकि आप जल्दी सवाल हल कर लेना, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट लेंगे लेकर तो सॉल्व करेंगे, आप नमाज पढ़ लें, 10 मिनट की ब्रेक करेंगे जस्ट, हैं जस्ट 10 मिनट की ब्रेक करें, नमाज पढ़ के आ जाए फौरन, ठीक है। तो फिर यहीं से शुरू करेंगे परसेंटेज से, 10 मिनट, अजान हो गई है 5 मिनट पहले हुई, वही से तो 5 मिनट पहले हो चुकी है अजान, हैं बस पढ़ लो, कुछ नहीं होता 5 मिनट ऊपर नीचे करने से, ठीक है। तो आ जाएं आप एग्जैक्ट 10 मिनट बाद वापस आ जाएं, मैं 5 बज के, मेरे पास एग्जैक्ट 5 बज के 2 मिनट हो गए, मैं 5:12 पे स्टार्ट कर लूँ, राइट। जी किधर लिखा है, स्टार्ट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आ गए सारे लोग जी,
कर रहे हो यार उधर बैठ जाओ, आप नहीं नजर आ सकते उधर, नजर नहीं आते, बैठो उधर, छोटे हो। अच्छा जी, आप जरा ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, परसेंट ऑफ, यही जरा अप्लाई करते हैं ना स्टेटमेंट्स के ऊपर, जरा स्टेटमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई करते हैं, ठीक है? कि ये परसेंट ऑफ, ये छोटी सी एक मिसाल तो ली है, लेकिन जरा एक वर्ड प्रॉब्लम रखते हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप लिखें एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है इन अ पार्किंग देयर आर 800 कार्स इन विच 80% कार्स आर पाकिस्तानी मेड। फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स, फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स। देखें वही ट्रिक हमने अप्लाई करनी है जी, सेम 80% बोल रहे ना, यानी आप सॉल्यूशन में इसको लिख लेंगे, आपको टोटल कार्स कितनी दी हुई है उसने, वो बोली है उसने जी 800 है, कहते हैं 80% कार्स पाकिस्तानी है, तो नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स निकालो ना, नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स। देखो बोल रहे 80% लफ्ज पे गौर करो, 80% 80 पर दिस, पर ये लिखना सिखाया ना, पर 80% 100 को क्या 80% ऑफ को यूं लिखते हैं, ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दैट पार्किंग, ये हो गई 800, काटो इसको तो क्या बनेगा 0, 64, 640 कार्स आर पाकिस्तानी, 640 कार्स आर पाकिस्तानी मेड, ठीक हो गया। देखें वही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, परसेंट ऑफ, वो भी हमें ट्रिक लिखने की आती है, पर कैसे लिखना है, सेंट कैसे लिखना है और ऑफ कैसे लिखना। बोल रहा था 80% कार्स हैं, आप तादाद निकाल लो उनकी, 80% जो ही बोला है 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स दैट इज 800 गिवन द क्वेश्चन। बात समझे हो? एक और एग्जांपल लिखें जरा, फिर एक और एग्जांपल लिखें, एग्जांपल नंबर 2 कर लूं, इसी तरह की एक और स्टेटमेंट लेते हैं ना छोटी सी, उसके ऊपर फिर अप्लाई करते हैं ये कॉन्सेप्ट। नहीं, अच्छा जी, कहता व्हेन 60 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, देन द रिजल्टिंग नंबर इज 60। वट इज द नंबर जल्दी से लिखें जी। लिख लिया है? जी लिख लिया स्टेटमेंट, फिर मैं वही ट्रिक अप्लाई करूं इस पे भी। जो ही बोला ना मैंने 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, इधर एक नई बात सीखने वाली है जी, देखो इधर जरा,
आप आ नंबर, आ नंबर तो हमें पता ही नहीं है क्या है। तो एक जनरल बात बता रहा हूं कि जब भी मैथ में कोई चीज मालूम ना हो ना, आप उसको सपोज किया करो, पहले लेट द नंबर बी एक्स। जब भी कोई चीज मालूम ना हो तो उसको आप पहले सपोज किया करो। तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं, नंबर का हमें पता नहीं है, तो लेट लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। ये जनरल बात है, ये सिर्फ इस सवाल या इस टॉपिक के लिए नहीं बता रहा। जब भी मैथ में कोई चीज हमें मालूम नहीं हो, जब भी हमें मैथ में कोई चीज मालूम नहीं हो, हम उसको पहले सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी एक्स। ये हमेशा हर टॉपिक में इस तरह ही चलेगा, ये सिर्फ कोई परसेंटेज के सवाल के लिए नहीं बता रहे, ठीक है। ये जनरल एक बात हमने पढ़ी। आप जरा स्टेटमेंट पढ़ो, व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड, 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60%। इधर बोर्ड पे देखो भाई, 60 इज सब्ट्रैक्टेड, 60 को निकाला गया किस में से, फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, 60% पर सेंट ऑफ, ऑफ को लिखते हैं अ नंबर, दैट इज एक्स। देखो जो वो कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं, कह रहे 60 इज सब्ट्रैक्टेड, 60 को निकाला गया फ्रॉम किस में से, 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ अ नंबर। तो फिर कह रहे देन द रिजल्ट इज इक्वल टू, देन द रिजल्ट इज इक्वल टू 60। तो रिजल्ट क्या आया, 60। जो उसने कहा हमने वही किया, सिर्फ लिखने का तरीका आता था, ठीक है। ये काट लो इसके साथ तो क्या आ जाएगा, 6x/10 इज इक्वल टू 60। ये वाला 60 माइनस का इधर दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, +60। दोबारा बस वो पहले नहीं बता रहा था कुछ अभी नहीं। अच्छा जी, तो 60 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, 6x/10 इज इक्वल टू 60 + 60, 120, ठीक है जी। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, इसके बाद हमें एक्स निकालना है ना, तो 6x = 120 multiplied by 10। ये नीचे 10 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के एक तरफ कोई चीज डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होती है ना, ठीक है। तो 6x = ये 1200 हो जाएगा, एक्स निकालना था ना, तो 1200 / 6, ये 6 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड, तो काटो नहीं इसको, 2 and 00 200, तो x = 200, x = 200। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ जी। स्टेटमेंट समझ आई कि परसेंटेज के सवालों को हम किस तरह टैकल करते हैं। परसेंट लफ्ज को लिखने का तरीका आता है हमें, और जब इधर एक नई बात साथ सीखी है, नई बात ये सीखी है कि जब कोई चीज मालूम ना हो उसको हम सपोज करते होते हैं, लेट इट बी एक्स। ये तो हमेशा मैथ में इस तरह ही करेंगे, आगे जाके भी सिर्फ इस एक टॉपिक के लिए तो नहीं बताया, ठीक हो गया जी। मैं आगे चलूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लो ना, मुझे तो अंडरस्टर यार किधर ले जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिखें आप, एग्जाम्पल 3 कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, राव तैयब बेटा मैं फास्ट तो करा दूंगा, लेकिन क्लास में वो वाले भी बैठे होते हैं ना जिन्होंने मैट्रिक के बाद मैथ नहीं पढ़ी होती, तो मैंने उनको भी साथ लेके जाना है, ठीक है। वरना सिर्फ मैथ वालों को ही देखना हो तो इतनी देर में 6 टॉपिक ना करा चुको, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने मैट्रिक के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी, सारे SHO वही तो नहीं लगते ना जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हो, ठीक है। अच्छा लिखो एग्जाम्पल नंबर 3, परसेंटेज
परसेंटेजेस का सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल आप थाने में जाके फिर परसेंटेजेस वसूल करेंगे, फिर ऊपर भी परसेंटेजेस देंगे। हाँ पता तो ना परसेंटेज निकालते किस तरह। अच्छा नेक्स्ट अनदर एग्जांपल। एक और स्टेटमेंट है, कहता जी 15 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर, 15 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स 20% अल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर, एंड रेस्ट इज वाटर। इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, इन द न्यू मिक्सचर। क्विक, शाबाश। स्टेटमेंट लिखें जरा। क्विक लीजिए। लिख लिया। अच्छा कहता मिक्सचर है, मिक्सचर तो हमें पता है यार, कम से कम दो चीजें होंगी, एक चीज का तो मिक्सचर नहीं होता, एटलीस्ट दो चीजें होंगी। ठीक है, अब क्या क्या दो चीजें जी? वाटर है और अल्कोहल है, वाटर है और अल्कोहल है। टोटल मिक्सचर आपको दे दिया 15 लीटर्स है, टोटल मिक्सचर इज गिवन टू यू, दैट इज 15 लीटर्स, दैट इज 15 लीटर्स। कहता 20% अल्कोहल है, ये नहीं बताया अल्कोहल कितने लीटर है, ये नहीं बताया कि अल्कोहल कितने लीटर, बस कहता है 20% अल्कोहल। परसेंट हमें लिखना आता है ना, 20% कह रहे हो, 20% ऑफ व्हाट टोटल मिक्सचर, वो तो 15 लीटर। ये काटो ना इसके साथ 5 से, ये काटो इसके साथ 3 से, तो 3 लीटर। इसका मतलब है कि अल्कोहल तो 3 लीटर है, कि अल्कोहल तो 3 लीटर है भाई, टोटल मिक्सचर था 15 लीटर। कहता है 20% अल्कोहल है, 20% अल्कोहल है, और उसमें से 20% अल्कोहल, तो 20% जब हमने लिखा है, लिखने का तरीका हमें बता, 20% ऑफ व्हाट टोटल मिक्सचर, तो जवाब है 3 लीटर। उसने नहीं बताया था 3 लीटर शराब है, उसने कहा था बस 20% है, परसेंट लिखा हमने, हमें पता चला यार वो तो 3 लीटर शराब है, तो रेस्ट इज वाटर, रेस्ट इज वाटर, बाकी पानी है, रेस्ट इज वाटर। तो 3 लीटर शराब है अगर, तो फिर 15 में से 3 निकालो तो बाकी 12 बचता है, इट मीन 12 लीटर फिर पानी हुए ना। ठीक है, अब यहां से आगे स्टेटमेंट में कहते हैं इफ 3 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, कहते हैं इसमें अगर पानी
इसमें अगर पानी 3 लीटर मिक्स करो, इफ 3 लीटर्स, इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट, 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट, 3 लीटर पानी अगर मिक्स करो उसमें। अच्छा, पहले था 12 लीटर पानी, नाउ वाटर इज कितना हो गया जी? 12 में 3 जमा करो ना 15, तो 15 लीटर हो गया, 15 लीटर्स हो गया, ठीक है जी। तो 15 लीटर हमारे पास अब पानी है और 3 लीटर वही शराब है। अब कहता है नए मिक्सचर के अंदर, जिसमें आपने पानी ज्यादा डाल दिया है, कम गाढ़ा कर दिया है उस मिक्सचर को, अब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल निकाल। तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल पूछे, देखो ये तो स्टेटमेंट में जो कुछ उसने दिया हमने वो किया, सिर्फ हमें परसेंट लिखना आता था बस, ठीक है, सिर्फ हमें परसेंट लिखना आता था बस। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, अब परसेंटेज हमने निकालनी है इस नए मिक्सचर में अल्कोहल की परसेंटेज, तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, एक नई बात है आपको सिखाने वाली। कहता है हमें कहता है परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। अब इधर देखना जरा बोर्ड पे, मैं आपको एक वो वाली मिसाल देता हूं जो आपने अगर साइंस पढ़ी है तब भी, तो आर्ट्स पढ़ी है तब भी, आप सब उस एग्जाम्पल से फेमिलियर है, तो मैं उस मिसाल से समझा देता हूं। आप जरा याद करें, अपने डीएमसी पे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, क्या करते थे आप? लिखते थे जी मार्क्स ओबटेंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स या ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ही करते थे। याद है आप सब लोगों को, जब भी आप अपने डीएमसी के ऊपर मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, आप लिखते थे परसेंटेज ओबटेंड मार्क्स ऊपर, नीचे लिखते थे टोटल मार्क्स या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आप सब ने किया है, साइंस पढ़िए तब भी, तो आर्ट्स पढ़िए तब भी, आप सब ने ये किया है, इसलिए ये मिसाल दी है मैंने। तो इसका मतलब ये है, इस मिसाल को हम जहन में रखते हैं ना, जहन में रखते हुए हम आइंदा के लिए जनरलाइज कर लेते हैं ना, आइंदा हमसे जिसकी परसेंटेज मांगे ना, जब हम ये करेंगे ऊपर वो लिखेंगे जिसकी परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे तो ऊपर ऑब्टेन मार्क्स लिखते थे, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक हो गया। इस मिसाल को जहन में रखा और फॉर्मूला डेवलप कर लिया आइंदा के लिए, जिसकी परसेंटेज हमसे मांगोगे उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपसे अल्कोहल की परसेंटेज मांग रहा है तो ऊपर अल्कोहल लिखो ना फिर, डिवाइडेड बाय टोटल टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब अल्कोहल तो अभी हमने निकाली थी ना, कितनी है जी? ये है ना 3 लीटर, डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर कितना है? 15 लीटर पानी है, 3 लीटर शराब है, ये 15 और 3 18 हो गया ना टोटल, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये काटो ना इसके साथ 6, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 6 तो क्या आ जाएगा? 16.66 इतने परसेंट है ये। तो नई बात क्या सीखी है, नई बात कैसी क्या सीखी है? नई बात हमने ये सीखी कि फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया है परसेंटेज का, फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया है परसेंटेज का, कि जिस चीज की परसेंटेज होगी उसको ऊपर निकालनी है, उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। 18 कैसे हो गया? देखो ना भाई, 15 लीटर तो पानी है, तो 3 लीटर शराब भी है ना, वो हमने निकाल लिया क्या? और मिक्सचर में परसेंटेज पूछ रहे ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, सवाल पढ़ो नहीं। मिक्सचर किसको कहते हैं? सिर्फ पानी को मिक्सचर कहते हैं? और भाई सिर्फ पानी को मिक्सचर कहते हैं? तो टोटल मिक्सचर लिखना ना नीचे, तो 15 लीटर पानी तो 3 लीटर शराब भी तो है ना, मिक्सचर तो तभी बना हुआ है, पानी ज्यादा ऐड किया है ना, शराब निकाली तो थोड़ी है हमने, कोई तो
15 और 3 18 हुए ना भाई, टोटल मिक्सचर 18 है ना, बात समझे हो? इज इट क्लियर नाउ? तो इस सवाल में हमने नई बात क्या सीखी कि हमने फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया परसेंटेज का। मैंने आपको स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है, एक जनरल स्टेटमेंट दी है, मैंने कहा है जिस चीज की परसेंटेज निकालने को बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय टोटली ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय। याद ना रहे कभी तो हम फौरन वो डीएमसी वाली मिसाल जहन में ले आए, हम फौरन डीएमसी वाली मिसाल जहन में ले आए। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट जरा एक और सवाल लिखें, एक सवाल और लिखें। मुझे दो ना आना है या डिस्टर्ब ना करना है। एग्जाम्पल नंबर क्या बनती है भाई? 4 कर लो है, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लो। आप लिखें आमेन 22 5 kg ऑफ मीट एट RS 500 पर kg। इन एडिशन He has to pay a consumption tax of 6% on the total selling price Find the amount of money that he has to pay. लिखो जी जल्दी से। क्विक शावश। अमेन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट RS 500 पर kg। इन एडिशन ही हैज टू पे अ कंजम्पशन टैक्स ऑफ 6% ऑन द सेलिंग प्राइस। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज। नहीं करो ना, क्या कर रही हुई? हाँ तो हिल रहा ना, उसके साथ ही शुरू। चलो उधर जाओ, वहां बैठो आराम से। अच्छा जी, स्टेटमेंट लिख लिया है। अब बोर्ड पे देखो जरा कैसे चलेंगे। देखो कहता है मेन बाइस 5 kg ऑफ मीट एट RS 500 पर kg। 1 kg मीट कितने का है? उसने खुद कह दिया है 500 का। 5 kg कितने का होगा? 2500 का। भाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 10 kg तो 10 से मल्टीप्लाई कर। अब कहता है ये 2500 तो वो हर सूरत देगा ना दुकानदार को, अगर गोश्त खाएगा 2500 तो वो हर सूरत देगा दुकानदार को, 2500 तो वो हर सूरत देगा दुकानदार को, लेकिन इसके ऊपर वो 6% टैक्स भी देगा। देखें परसेंट कह दी। आपको कहता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी बताओ जी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर पेइंग 6% टैक्स
टोटल अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर पेइंग 6% टैक्स। देखो 2500 तो आर सूरत दे रहा है, टैक्स तो जमा होता है ना, है तो प्लस टैक्स कितना, 6%। परसेंट लिखना आता है आपको, 6% कह रहे हो, 6% यूं ही लिखना सीखा है ना, 6% ऑफ व्हाट, टोटल सेलिंग प्राइस। आप को यूं लिखते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, 2500 है ना, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, 2500 है ना भाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये काटो जरा इसके साथ, तो प्लस 150, तो 2650। बात समझियो, सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है, मैं अभी कोई 16 या 17 का पेपर देखना कहीं इसी एक पेपर में परसेंटेज का। ठीक है, देखे ना खुद कह देता है, इन एडिशन टू दिस टैक्स जमा करना है ना, तो ओरिजिनल प्राइस पे जमा कर दिए। अगर विदाउट टैक्स कह देता जी 6% टैक्स माइनस कर लेते हम, माइनस करना का मतलब 6% टैक्स काम करना है, तो काम करने का मतलब माइनस कर दे, बात समझ रहे हो। लेकिन हर बार कार हम वही रहे हैं, परसेंट ऑफ, परसेंट ऑफ। बस दो एक बातें बीच में नई भी सीखी हैं कि क्या जब भी कोई चीज मालूम ना हो तो हम उसको सपोज करते हैं एक्स, वो तो जनरल बताया सारे सवालों के लिए, हमेशा अगले टॉपिक्स के लिए भी ठीक। और जब हमें परसेंटेज का फार्मूला भूल जाए कभी, तो फार्मूला भी सीख लिया, याद रख लिया। किस तरह से एक मिसाल ली हमने, जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे थे, वो मार्क्स ऑब्टेंड वाली, कि जिस चीज की परसेंटेज मांगोगे उसको ऊपर ही लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाई। ठीक हो गया जी, तो यूं आपने परसेंटेज के सवालों को टैकल करना होता है। राइट, नेक्स्ट। अब एवरेज वगैरह भी पूछता है, वो तो लिख लें, एवरेज लिख लो, रेशो या रेशो लिख लो अभी। हाँ, एक एंगल रेशो का करा देता हूँ, फिर तो नेक्स्ट उसी से आगे चलेंगे। लिख लो रेशो, रेशो को ऐसे कॉलम से जाहिर किया होता है जी, इसके भी मैंने एक दो सवाल देखे हैं जी रेशो के भी, पास पेपर चेक कीजिएगा जरा। रेशियो कोलन से जाहिर किया जाता है, रेशियो कोलन से जाहिर किया जाता है। ठीक है, रेशियो होती क्या है जरा, इट इज द कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, एक जैसे यूनिट्स वाली चीजें। ठीक है जी, जल्दी से लिखो जरा, नया तंग हुई बस जी, खत्म करता हूँ मैं 15 मिनट बाद, बस खत्म क्लास। ठीक है, आप चले जाओ उधर बैठ जाओ जाके, वो आप ही के साथ बातें करो ना उधर, वो अंदर रमशा भी के पास बैठ जाओ, बाहर नहीं जाना, अंदर बैठ जाओ उधर। ठीक है, उधर चेयर पे बैठ के बातें करो, मैं आता हूँ 15 मिनट में। अच्छा जी, तो मैंने कहा जी कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों का कंपैरिजन। एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों से क्या मुराद है, एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों से मुराद है मसलन लेंथ हो ना, लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ, लेंथ हो तो लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ, मैस है तो मैस का कंपैरिजन मैस के साथ। अगर लेंथ का कंपैरिजन मैस के साथ किया ना, वो फिर रेशो नहीं रहता मैथ में, वो एक और चीज बन जाती है जिसको रेट कहते हैं। हम तो रेशो पढ़ रहे ना, हम तो रेशो पढ़ रहे ना, रेट्स तो नहीं पढ़ रहे, बात समझ रहे हैं। तो अब लिखते कैसे हैं, कॉलम से जाहिर तो करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, ए रेशो बी, ए रेशो बी मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय बी, ए रेशो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी। मोहम्मद उसामा
रिपीट कर कीजिएगा सर। क्यों सर, बादाम खा के आते हैं? हैं, क्या रिपीट करना बताओ, जल्दी बोलो ना, जरा कमेंट करो जल्दी से। मैं सुन लें, मैं ये बता रहा हूं कि ऊपर ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, सेम यूनिट से ये मुराद है, वो मैंने मिसाल दी है लेंथ मैच की, ठीक है। मसलन देखे ना, मोहम्मद रमजान सर, परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं बताया आपने। हाँ जी सर, इसको बताओ, फॉर्मूला बताया या नहीं बताया? अभी हम क्या सीख रहे थे? और जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है ऊपर, वो लिखते हैं डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। जनरलाइज करा रहा था मैं, क्या करा रहा था, वो फॉर्मूला ही था। भाई मैंने एक जनरल बात बताई ना आपको, कि जिस भी चीज की परसेंटेज निकालते हैं उसके ऊपर अगर याद ना रहे, तो वो मैं मिसाल किस लिए दे रहा था, मार्क्स ऑफ ट्रेंड वाली, याद रखने ना, ठीक है। अस्नैन ने नेकुकारा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, ये अलग से पढ़ाऊंगा, इसमें तो नहीं बता सकता, ये अलग से पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शंस छोटी बड़ी डिसाइड कैसे करते हैं, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स में बताऊंगा। तो अगली क्लास में वो बेसिक चीज है ना, कभी मल्टीप्लिकेशन करनी आ जाए आपको, मल्टीप्लिकेशन करनी है डेसिमल्स की, कैसे करनी है बगैर कैलकुलेटर के, बड़े नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फ्रैक्शंस छोटी बड़ी का कैसे डिसाइड करते हैं, ऑपरेटर्स कौन से यूज करते हैं, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, है ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सेम यूनिट से मुराद है लेंथ है ना, अगर तो लेंथ को लेंथ लेंथ के साथ कंपेयर करना है, मतलब कंपैरिजन एक जैसे यूनिट्स वाली चीजें हो, मैथ अलग चीज है ना, लेंथ अलग चीज है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे ना, अगर ऐसी दो क्वांटिटीज का, वो रेशो नहीं होगा, वो मैथ्स में अलग चीज होती है रेट्स। दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन करो ना, वो रेट्स के अलग, एक जैसी चीजों का कंपैरिजन करो तो उसको हम रेशो कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कब बोला था? अब मैंने कहा है रेशो को आप जाहिर तो कोलन से करते हो, लेकिन मतलब क्या लोगे इसका? मतलब लोगे ए रेशो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी। मैं आपको ये बोलूं, 4:5 आप लिखेंगे इसको 4/5, यानी इसको लिखने का ये तरीका होता है, इसको लिखने का ये तरीका होता है, ठीक हो गया। अगर इसी तरह कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लेना, ये रेशो में जो पहले वाला होता है ना, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और ये जो बाद वाला होता है ना, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। रेशो में पहले वाला एंटीसीडेंट कहलाता है, बाद वाला कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। रेशो में पहले वाला एंटीसीडेंट, बाद वाला कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंस से निकला हुआ है ना। और मैं आपसे पूछूं, 7:9, इसमें बताओ जी एंटीसीडेंट कौन सा है, तो क्या बताओगे? हैं, बताओ इसमें एंटीसीडेंट क्या है? 7, यानी जो रेशो में पहले वाला नंबर होता है ना, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, बाद वाले को कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंस है ना, ठीक है। अच्छा, अब रेशो के सवालों को पहचानना कैसे है, हमें कैसे पता चलता है यार रेशो के सवाल? जैसे परसेंटेज के लिए मैंने कहा है ना, कि वाजे परसेंट लफ्स लिखेगा वो, हर सूरत लिखेगा परसेंटेज के सवाल में, परसेंट लफ्स लिखता है, ठीक है। अब रेशो के सवालों को कैसे पहचानना होता है, इसके लिए एंड से या तो वो रेशो वर्ड लिखेगा, अगर ना लिखे तो यूं कोलन लगाएगा, ये अगर ये भी ना करे तो लफ्स शेयर लिखता है, लफ्स शेयर लिखता है, ये इसकी पहचान है रेशो वाले सवालों का। जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट हो ना, रेशो के सवाल है, तो पहचानना कैसे यार ये रेशो का ही सवाल है या कोई और है, तो कैसे पहचानोगे? रेशो का वर्ड लिखेगा, अगर ना लिखे तो कोलन लगा देगा, ये अगर ये भी ना करे तो शेयर, शेयर ऑफ व्हाट? शेयर ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई चीज आपसे डिस्ट्रीब्यूट करा रहा होगा ना, कोई चीज आपसे डिस्ट्रीब्यूट करा रहा होगा, ठीक है, उसको हम कह देते हैं शेयर, शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
लिख लिए हैंड्स, अब जरा रेशो का एक सवाल लिखते हैं ना, रेशो का एक सवाल लिखते हैं जी। आप एक स्टेटमेंट लिखें जरा, मैंने अभी परसेंटेज पढ़ाई है, मैं साथ वो भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल वन कर लो। इफ 40% ऑफ अ नंबर, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3, 2/3 ऑफ another number, what is the ratio of first number to second number? What is the ratio of first number to second number? लिखो शाबाश जल्दी से। What is the ratio of first number to second number? ओके जी, सॉल्यूशन में आए, देखें तो 40% ऑफ आ नंबर, आपको पता है आ नंबर क्या है? ये तो हमें नहीं पता है। इक्वल टू 2/3 ऑफ एन अदर नंबर, ये भी हमें नहीं पता। मैंने अभी एक बात बताई थी ना जनरल, कि जब मैथ में कोई चीज मालूम ना हो उसको पहले सपोज करते ना, वो एक जनरल बात बताई थी ना, सिर्फ एक सवाल के लिए तो थोड़ी बताई थी मैंने, है भाई? जब भी कोई चीज मालूम ना हो उसको हम पहले सपोज करते हैं ना, तो आ नंबर हमें पता ही नहीं है, तो फिर पहले इसको सपोज करो। जनरल बात, लेट फर्स्ट नंबर बी, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, इसी तरह सेकेंड नंबर बी, वो भी नहीं पता तो वाई, और दोनों तो एक्स नहीं हो सकते ना, एक भी एक्स है तो दूसरा भी अगर एक्स है तो फिर एन अदर किस लिए बोला है? डेफिनेटली डिफरेंट रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो कहता जी 40% ऑफ अ नंबर, बोर्ड पे देखो जरा, परसेंट लिखना मैंने अभी सिखाया है, 40% कह रहे हो, 40 पर यूं लिखते थे ना, सेंट 100 था ना, ऑफ यूं लिखते थे, ऑफ अ नंबर वो तो एक्स है, अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एनदर नंबर 2/3, ऑफ को यूं लिखते हैं ब्रैकेट से, एनदर नंबर इज वाई। देखो जो उसने कहा है हमें, हम वो ही कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ लिखने का तरीका आता है, 4x/10 इज इक्वल टू 2y/3। अब बीच में जब इक्वल हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बीच में जब इक्वल हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं में, ठीक है? तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं इधर लिख देता हूँ, 12x इज इक्वल टू 20y, 12x इज इक्वल टू 20y, यहां तक लिख लिया। जल्दी से शाबाश। अच्छा बोला क्या था हमें, कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर वाई है, ये आपने फाइंड करना था ना, एक्स रेशियो वाई, आपको तो ये फाइंड करना है, एक्स रेशियो वाई। एक्स रेशो वाई का मतलब हम समझते हैं, रेशो मीन डिवाइड ना, एक्स रेशो वाई मतलब एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, असल में आपने ये लाना है, एक्स रेशो वाई मीन्स एक्स डिवाइडेड बाय वाई, तो मतलब इधर आपके पास ये एक्स है, इसके नीचे वाई लाना है, वाई इधर मल्टीप्लाई और इधर लाके डिवाइड कर दिए, इक्वल टू 20 अपनी जगह मौजूद, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लाके डिवाइड कर दो, ये राइट साइड पे 20 अपनी जगह रखा है, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया ना,
क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स रेशो वाई चाहिए। एक्स रेशो वाई का मतलब एक्स डिवाइडेड बाय वाई होता है ना, यही बताया था ना, ए रेशो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो काटो ना ये 4 के टेबल से हैं, 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाए। एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। एक्स डिवाइडेड बाई वाई मीन एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 5:3, 5:3 आ गया ना रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। यही पूछ रहा था ना, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते? उम्र अफजल जब बीच में इक्वल हो ना तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये ऐसे रकमें हो ना, यूं चार रकमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में लिखी हुई हो, दो इधर दो इधर, बीच में इक्वल हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो वही किया है मैंने, बीच में इक्वल था तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, बात समझ गए यहां तक? तो सिंपल, हमने अभी सिर्फ ये समझे है कि रेशियो का मतलब तो डिवाइड होता है, रेशियो का मतलब तो डिवाइड होता है। तो ए रेशियो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी, उसी को अप्लाई कर लिए एक स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा अभी बस यहां तक रखेंगे इसको। तो नेक्स्ट जो है ना, रेशो के ऊपर अभी हमने डिस्कशन करनी है। मैंने एक सवाल सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है रेशो का, ठीक है? अभी रेशो पे आप नहीं जाएंगे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने और एक एग्जांपल कराई है जस्ट। तो अगली क्लास जब भी होगी, नहीं मोहम्मद रमजान, रेशो का कोई अलग से फार्मूला नहीं है, रेशो को लिखने का तरीका आए और सवाल के अंदर पहचान आपको आए कि यार रेशो के सवालों को पहचानते किस। ठीक है, तो आगे जाके मैं एक फार्मूला बताऊंगा, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं कह सकते आप, रेशो लिखने का तरीका है। ठीक है, शेयर वाला कराऊंगा बिल्कुल। अभी अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल कराई है ना, एक एग्जांपल कराई, अमीन बुख्तावर। ठीक है जी, यहां तक समझिए बात, जितनी बातें आज की हैं हमने ये समझ आई है। तो अभी मजीद डिस्कशन चलाएंगे ना यहीं से आगे। तो मुझे ये बताओ कि आपको मैंने साइंस किसी ने पढ़ा दिया या साइंस भी मैंने ही पढ़ाई? साइंस मेरे जिम्मे तो नहीं है ना, पढ़ाई है किसी और टीचर ने? पढ़ लिए साइंस, अच्छा जनरल साइंस, अच्छा बस ठीक है ठीक है, बस आप साइंस का हो गया फिर पोर्शन जितना भी हुआ है। आईटी वगैरह का पोर्शन नहीं कराया होगा मैम ने? चलिए उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो बाकी भी मैथ वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है? चलें जी। ओके जी, गुड लक। नीचे बैठ जाओ, बस सुनते रहो लेक्चर, बैठते हैं। बाहर जाना तो बाहर चले जाओ, वो आप ही के पास जाके बैठ जाओ, जाना बस, फिर इधर बैठना तो इधर बैठ जाओ। हाँ अच्छा जी, तो ये सब इंस्पेक्टर्स का बैच है। आप लोगों के पास पेपर्स मैंने अभी बर्ड आई व्यू में देख लिए, तो जो टॉपिक्स मुझे उसके अंदर नजर आए, मैं कोई पिछले 3-4 सालों के पेपर्स मेरे सामने आए, 2015, 16 और 17 का। तो कोई बड़ा हाई फाई लेवल का मैथ तो नहीं है आपका, सीएसएस के पैटर्न पे तो नहीं है, लेकिन जो जो टॉपिक्स हैं बेसिक्स तो वो कराता हूँ। राइट ठीक है जी। अच्छा अब इसमें आप सबसे पहले तो बेसिक्स में आपको कुछ चीजें पता हों, वो ये पता हों कि बेसिक बेसिक सारे नंबर्स का आपको पता हो, बेसिक नंबर्स आप जानते हों जी, कहीं भी पूछ ले उनमें से एमसीक्यूज, तो आपको पता हो, आप लिख ले नंबर्स थ्योरी,
नंबर्स थ्योरी, नंबर्स थ्योरी। काशिफ क्या ले लिया? वो मैंने कुछ कहा था ना, आप इधर ही थी उस कैंपस में? वो सर ने क्या हुआ? अच्छा ठीक, बस वो भिजवा दो। मुझे चाय का कप दे दो। हाँ शोर नहीं करो ना। अच्छा जी, तो आप लिख लें जी नंबर्स थ्योरी। तो नंबर थ्योरी में बेसिक बेसिक नंबर्स के बारे में आपको पता हो। सबसे पहले आप लिखो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से जाहिर करते हैं। ये शुरू होते हैं वन से जी, वन टू थ्री फोर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं। मैं आपको बोल दूं जी फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर लिखो, तो आपको पता चल रहा है यार नेचुरल नंबर कह रहे हो तो वन से शुरू होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फर्स्ट फाइव। ठीक है, इसी तरह मैं आपको कहूं जी होल नंबर्स, होल नंबर्स डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, ये शुरू होते हैं जीरो से, जीरो वन टू थ्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको बोलूं राइट सेट ऑफ फर्स्ट थ्री होल नंबर्स, राइट सेट ऑफ फर्स्ट थ्री होल नंबर्स, तो इसका मतलब आप क्या लेंगे? जीरो वन टू, क्योंकि आप थ्री नहीं, क्योंकि हमें पता है ना होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं ना, जीरो वन टू, तीन पूरे हो गए ना। मैं बोलूं फर्स्ट फोर होल नंबर्स, तो क्या करोगे आप? फौरन जेन में होल नंबर कह रहे, होल नंबर तो शुरू होते हैं जीरो से ना, जीरो वन टू थ्री, थ्री पे चार पूरे हो जाते हैं, फर्स्ट फोर होल नंबर्स का ये मतलब हो। मेरी बात समझ रहे हो? इसी तरह आप लिख लें एक और नंबर, लिखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पी से जाहिर कर दो। लिखे आप नंबर, नंबर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ एंड वन ऑनली, इटसेल्फ एंड वन ऑनली। लिखे मैं समझा देता हूं, नंबर ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड एंड वन ऑनली, इटसेल्फ एंड वन ऑनली। नंबर जो खुद आता है, तो फिर लिखो ना प्राइम नंबर में इसको। ठीक है, ठीक है, वन नहीं है भाई मलिक फिरोज, वन नहीं है। मैंने कहा नंबर ग्रेटर देन वन, नंबर ग्रेटर देन वन। ठीक है, अच्छा थ्री, थ्री खुद से डिवाइड होता है, थ्री डिवाइड बाय थ्री वन आता है, थ्री वन से भी डिवाइड होता है, थ्री आंसर आता है, तो थ्री भी लिखो ना फिर प्राइम नंबर। ठीक हो गया जी। इसी तरह फाइव लिखे, फाइव खुद से भी डिवाइड होता है, वन से भी। सिक्स लिखूं जी, सिक्स, सिक्स लिखूं ना लिखूं, इसलिए कि सिक्स तो खुद से डिवाइड होता है, वन आंसर। सिक्स तो वन से भी डिवाइड होता है, सिक्स आंसर। सिक्स तो टू से डिवाइड होता है, थ्री आंसर। सिक्स तो थ्री से भी डिवाइड होता है, टू आंसर। हमने डेफिनेशन में यह तो नहीं कहा हुआ कहीं भी कि जो टू से भी डिवाइड हो थ्री से, हमने तो कहा था बस खुद से हो और वन से हो, तो इट मीन्स सिक्स ना लिखो, ये तो टू से भी डिवाइड हो रहा है, थ्री से भी हो रहा है। ठीक है जी, सेवन लिखूं, एट ना लिखूं, एट ना लिखूं, क्यों? एट तो फोर से भी डिवाइड होता है, एट तो टू से भी डिवाइड होता है, हमने तो कहा है बस खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड। मेरी बात समझे हो अब? ठीक है, इसी तरह इलेवन लिख सकते हैं आप, एंड सो ऑन। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से वाले हैं। इज इट क्लियर नाउ? कि वन से बड़े होने चाहिए, यानी कहीं भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछे ना आप, या अक्सर कह लेता है Which is the only even number which is also prime?
कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है? तो आपको प्राइम की डेफिनेशन आती होगी, नंबर ग्रेटर देन वन, विजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। तो उसमें टू आता है ना, टू इवन भी है ना, तो प्राइम भी है। तो इस तरह से बना लेता ऑब्जेक्टिव्स, बात समझे हो? इसी के साथ नेक्स्ट लिखो एक और, आप लिख लें एंटीजर्स, एंटीजर्स आई से जाहिर कर दो, एंटीजर्स आई से जाहिर कर दो। ये जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सो ऑन एंड सो फोर्थ, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये है, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक हो गया? अच्छा, मसलन अब वन बाई टू है, ये नहीं लिखेंगे हम इंटीजर्स, वन बाई टू इज नॉट इंटीजर। ठीक है, इसी तरह वन बाई थ्री इज नॉट इंटीजर। हमने कहा है पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव को या नेगेटिव, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव को या नेगेटिव को। ठीक है, और इंक्लूडिंग जीरो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन होता है, बात समझे आप? नेक्स्ट, दो और इंपॉर्टेंट नंबर है जी, रियल नंबर एंड, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप लिखें जी रियल नंबर्स, पहले लिखो रियल नंबर्स, आर से जाहिर कर दो, रियल नंबर आर से जाहिर कर दो। नहीं बख्तावर, या आपने पॉइंट फाइव लिखा है, पॉइंट फाइव नहीं ना, पॉइंट फाइव का क्या मतलब है, वन बाई टू, वो इंटीजर तो नहीं है ना, पूरा पूरा नंबर तो नहीं है ना, मैंने लिखा ना पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जरा रियल नंबर के बारे में लिखो, आर से जाहिर कर दो, आर से जाहिर कर दो। और मैं जानबूझ के मैथमेटिकल लैंग्वेज वाली डेफिनेशन अवॉइड कर देता हूँ, वो वाली डेफिनेशन लिखता हूँ जो एक आम बंदा समझ सकता है। मैथमेटिक्स वाले तो समझ जाएंगे मैं लिख दूं अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लेकिन एक आम बंदे को नहीं समझ आती, आप सिंपल जुबान में लिख लेना उसको। बिल्कुल, आप यूं लिखो, लार्जर नंबर्स, स्मॉलर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, और इसी तरह आप लिख लें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, डेसिमल्स, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं यार ये रियल नंबर्स, इन सब को हम मिलाकर कहते हैं ये रियल नंबर्स, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्मॉलर हो, लार्जर हो, फ्रैक्शंस हो, डेसिमल्स हो, सब को मिलाकर हम कहते हैं ये रियल नंबर। मसलन किस तरह, देखो इधर जरा, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 70,000, मैं बोलूं
अच्छा जी, मैंने ये कहा है कि आपके पास मलिक फिरोज, मैं अभी रिकरिंग की बात नहीं किया, मैं थोड़ी देर बाद जाके बताता हूँ, है अभी उस पे मैं गया नहीं। अच्छा, मैंने कहा है जी इनफाइनाइट होते हैं रियल नंबर। किस तरह इनफाइनाइट होते हैं? देखो ना, मैं आपको कहूँ जी 0 से 1 पे आपने जाना है, तो आपको कितने नंबर गिनने पड़ते हैं बीच में? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 0.9 और फिर 1 आता है। यानी 0 से 1 पे जाने के लिए हमें इतने सारे नंबर्स गिनने पड़ते हैं बीच में, इतने सारे नंबर्स गिनने पड़ते हैं बीच में। तो हम कैसे गिन सकते हैं जब 0 से 1 पे जाने के लिए अभी इतने सारे गिनने पड़े? अभी तो मैंने वो वाले गिने ही नहीं, अभी तो मैंने वो वाले गिने ही नहीं भाई, वो जो 0.001, 0.002, वो तो अभी गिने ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ पैरेलल में आप लिख लें जरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो आपको रियल नंबर की ओर नेचर वाजी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें जरा, सी से जाहिर कर दूं। ये होते हैं जी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी। अच्छा, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है? रियल की तो अभी हमने बात की है, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स ये क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर हमें समझ आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं सी से जाहिर कर देता हूँ। रियल नंबर बहुत सारे हैं, मैं इतने तो नहीं लिख सकता, मैं उसको कोई एक लिख देता हूँ, ए ए। और इधर प्लस ये वाला अपनी जगह मौजूद, इमेजिनरी नंबर को मैं बी से जाहिर कर देता हूँ। लेकिन फर्क तो कोई नहीं नजर आ रहा, रियल और इमेजिनरी में फर्क तो कोई नहीं नजर आ रहा, तो फिर रियल और इमेजिनरी में फर्क कैसे करना है? फर्क करने के लिए इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी नंबर के साथ इधर हम एक लेटर यूज कर लेते हैं, आयोटा। एक लेटर यूज कर लेते हैं आयोटा, ये आयोटा। ठीक है जी। अब आयोटा क्या है, मैं जरा आयोटा के ऊपर डिबेट कर देता हूं, क्योंकि शायद ये कुछ लोगों के लिए नई टर्म हो ना, तो मैं इस पे डिबेट कर देता हूँ जरा, ताकि आपको याद रह जाए। मैं ये बोल रहा हूँ आयोटा, आयोटा के बारे में पहली बात, ये कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की मैंने, ये कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की, ये तो कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है, ये तो कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है भाई। आयोटा कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैं आपको मिसालें देता हूं, देखे ना, कॉमन डॉन न्यूज़पेपर में आपके पास लिखा हुआ आता है। राव तैयब, मैं आता हूँ जरा पाई के ऊपर भी आता हूँ, थोड़ा सा सब्र करेंगे हैं, उसके ऊपर भी आता हूँ, मैं डिस्कशंस में ला रहा हूँ पाई को भी। अच्छा, मैंने कहा है सारे रियल नंबर हैं, बस सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये सिर्फ साथ लगाएंगे, जिधर आयोटा लगा होगा ना, वो इमेजिनरी पार्ट जिधर होगा, तो बस वो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर थे। तो पाई की बात भी करते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आगे रेशनल इरेशनल में डिस्कशन करता हूँ उस पर भी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं जी, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल तो अभी हमने डिस्कशन की है, इमेजिनरी क्या है, इसके लिए मैंने कहा साथ आयोटा लिखते हैं। अब आयोटा क्या है, मैं ये बता रहा हूं कि आयोटा अंग्रेजी का लफ्ज है, ये कोई मैथ की टर्मिनोलॉजी तो नहीं है। किस तरह अंग्रेजी का लफ्ज है, मैं डेली लाइफ से एग्जाम्पल देता हूँ। आप डॉन न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो लिखा होता है यार आयोटा ऑफ डाउट्स, आयोटा ऑफ डाउट्स। मैं और मिसाल दूं, इमरान खान की आपने स्पीच सुनी हो यूएन असेंबली में, तो जब वो 4 पॉइंट्स दे रहा था ना, 4 पॉइंट्स जब इमरान खान ने दिए, तो जब टेररिज्म पे बात कर रहा था यूएन असेंबली में, तो अगर उसकी तकरीर आप देखें ना, आज भी सुने, तो उसमें जब टेररिज्म की बात हुई है, तो कहते हैं इंडिया में टेररिज्म का आयोटा ऑफ प्रूफ दे दे, आयोटा ऑफ प्रूफ दे दे, यानी बहुत माइन्यूट सा प्रूफ दे दे कि हम कार्रवाई करें। हम पे जो इल्जाम लगाता है इंडिया टेररिज्म का, हमें आयोटा ऑफ प्रूफ दे दे, मतलब बहुत माइन्यूट सा, माइक्रो लेवल पे, बात समझ रहे हो? तो आयोटा का मतलब ये लफ्ज ही तब इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में जब माइक्रो लेवल पे बात करनी हो। कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ या मैं एक और मिसाल दूं, पीटीआई की होगी या मैं फिर नून लीग की मिसाल देने लगूं?
है? आपने जब नवाज शरीफ पे जेआईटी बनी थी ना, नवाज शरीफ पे जब जेआईटी बनी थी, उसका बेटा जेआईटी के सामने पेश हुआ था, बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवाज शरीफ के बेटे ने जेआईटी के सामने जब पेश हुआ। आज भी आप गूगल करके चेक करें, क्या था? जेआईटी विल नॉट बी एबल टू प्रूव एन आयोटा ऑफ करप्शन अगेंस्ट शरीफ फैमिली। जेआईटी विल नॉट बी एबल टू प्रूव एन आयोटा ऑफ करप्शन अगेंस्ट शरीफ फैमिली। क्या मतलब है? उसकी बात के कॉन्टेक्स्ट पे गौर करो। आयोटा ऑफ करप्शन अगेंस्ट शरीफ फैमिली मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे भी करप्शन साबित नहीं कर सकती जेआईटी। उसकी बात का कॉन्टेक्स्ट तो ये बन रहा था ना, तो पता ये चला आयोटा का लफ्ज ही तब इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में जब माइक्रो लेवल पे बात करनी हो। इट मीन्स आयोटा जब हमने लगाया है तो ना साथ, ये तो माइक्रो लेवल पे मतलब इसका होता है जी, हमने तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझा, यानी जब आप माइक्रो लेवल पे बात करते हैं तो तब आप आयोटा की बात करें, तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी नंबर्स। फिर कौन से नंबर हैं? इमेजिनरी नंबर का ये मतलब नहीं है कोई इमेजिन किए हुए हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? माइक्रो पार्टिकल्स की दुनिया में, क्वांटम पार्टिकल्स की दुनिया में। क्वांटम पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल कौन से होते हैं? मसलन इलेक्ट्रॉन, मसलन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सुना होता है हा? नहीं तो इधर साइंस में मैं पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में एटलीस्ट सब जानते होते हैं आर्ट्स वाले भी। तो एक छोटा सा पार्टिकल है, कहने का मतलब माइक्रो माइक्रो वर्ल्ड में, क्वांटम वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। कभी इसकी वैल्यू पूछ ले आयोटा की, इसकी वैल्यू अगर पूछ लेना कभी तो वो भी बता देता हूं जी। वैल्यू क्या है, मैं एक मिसाल से समझाता हूं, एक मिसाल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर मैं लिखू ना एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है ना मेरे पास, कोई भी मैंने इक्वेशन कंसिडर कर ली मैथ की, तो एक्स निकालना पड़े तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। क्यों? इक्वल के एक तरफ कोई चीज ऐड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, एक तरफ कोई चीज ऐड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। ठीक है, तो मैं यही किया, इधर प्लस हो रहा था वन उधर जाके माइनस कर दिया। एक्स का स्क्वेयर है, स्क्वेयर खत्म करने के लिए हमें स्क्वेयर रूट लेना पड़ता है ना, क्योंकि स्क्वेयर रूट की वैल्यू वन बाय टू होती है ना, स्क्वेयर खत्म करने के लिए स्क्वेयर रूट लेते होते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा इसके साथ, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन। आप जरा करके देखें, कैलकुलेटर पर करके देखें, बेशक माइनस वन का स्क्वेयर रूट करें ना आप तो कैलकुलेटर चुप हो जाता है, तो समझ जाया करो, जिधर कैलकुलेटर चुप हो जाए ना बस आ गया आयोटा, फिर आ गया आयोटा, जिधर कैलकुलेटर चुप हो जाता है तो समझ जाया करो इमेजिनरी नंबर है। आप करके देखें ना माइनस वन का स्क्वेयर रूट, कैलकुलेटर कोई आंसर नहीं, कहते मैथ एरर, सिंटैक्स एरर है। आप करके देखें तो सही, आप माइनस वन का स्क्वेयर रूट करें ना, या वो कहेगा मैं नहीं बताऊंगा है। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? तो कहने का मतलब है कि आयोटा की वैल्यू फिर क्या हुई? आयोटा की वैल्यू हुई स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन। कभी पूछ ले तो आपको आप डायरेक्ट पता हो कैसे, यहां से मैंने बताया ना, इसके पीछे डिस्कशन ये है। ठीक हो गया, और कहानी मुश्किल है। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखें, रेशनल एंड इरेशनल नंबर जरा लिखें, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों से जाहिर कर दूं, इरेशनल इनको क्यू प्राइम से जाहिर करते, इरेशनल क्यू प्राइम से जाहिर करते, रेशनल नंबर क्यू इरेशनल।
अच्छा जी, तो पहले जरा रेशनल नंबर के बारे में लिखो। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप लिखे, मैं समझा देता। बताता हूँ एक मिनट। एक मिनट, ठीक है, जस्ट मुझे आप एक मिनट देंगे? हाँ, आई एम बैक विद इन वन मिनट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे रेशनल और इरेशनल पे, रेशनल एंड इरेशनल ने। राव तैयब सर, वाई फ्लेक्स नंबर को किसने बनाया था, इन्वेंट? राव तैयब यार, ये प्योर मैथ की चीजें नहीं पूछता वो आपसे। बहरहाल ये एक इटली का साइंटिस्ट था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात जिसने सबसे पहले कर ली, कार्नेडो नाम था वो। इतनी प्योर मैथ में नहीं जाता वो आपसे, जनरल मैथ पूछते हैं ना। वैसे ये इटली का बंदा था, कार्नेडो, कार्नेडो, हाँ कार्नेटो ना लिखाना। वैसे प्योर, ये प्योर मैथ की बात है, वो प्योर नहीं पूछता आपसे, जनरल चीजें पूछते, राइट? सर हमारा भी मिल्क शेक पीने का दिल कर रहा है, तो घर में बना के पियो ना। अच्छा चलो, रेशनल इरेशनल, इरेशनल और रेशनल नंबर्स की बात कर रहे थे ना, इन दोनों में फर्क जानना चाहते हैं। तो मैंने पहले लिखा, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, वो नंबर्स जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते, अच्छा पी और क्यू से हमें कोई सरोकार नहीं है, पी और क्यू से हमें कोई सरोकार नहीं है, हम तो ये चाहते हैं बस हमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का पता, ठीक है। और पी और क्यू क्या है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को शो कर रहे हैं। न्यूमिरेटर डिवीजन से ऊपर होता है, डिनोमिनेटर डिवीजन से नीचे होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैंने लिखा क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों भाई?
जीरो के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को आप जीरो से डिवाइड करेंगे ना, किसी भी चीज को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी के बारे में मैथ में हमें पता ही नहीं क्या चीज है, आप करके देखें ना कैलकुलेटर पे, किसी भी चीज किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें ना तो वो आंसर ही नहीं करता। इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं क्या चीज है। इन्फिनिटी मैथ में कहते हैं बहुत बड़ा नंबर है लेकिन ये नहीं पता कि है क्या, तो जब हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी, इसलिए फिर उस इन्फिनिटी वाली कंडीशन से बचने के लिए हमने इधर शर्त रख दी, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। इसी का उल्ट कर रहे हो तो इरेशनल बन जाता है। लेकिन एक मसला है, पाई के बारे में सुना हुआ आप लोगों ने, पाई पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7। सैयद फरहान रजा है सर, इन्फिनिटी मैथ में बरमूदा ट्रायंगल है। फरहान रजा ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात आपने करनी भी नहीं। हाँ, इन्फिनिटी से मुराद कोई बरमूदा ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, तो पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अच्छा, 22/7 न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर 7 है, 7 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0, न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पाई को रेशनल हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पाई को रेशनल हो जाना चाहिए। नहीं करूंगा मुझे, तो बैठ जाओ ना आराम से यार, हैं बैठो आराम से बैठो, नहीं वो फिर बंद हो जाती है ना सिटिंग, बैठ जाओ। अच्छा, मैंने कहा जी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 7 है, 7 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0, न्यूमिरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, डिनोमिनेटर 0 भी ना हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पाई को रेशनल हो जाना चाहिए। लेकिन मैथ में पाई को फिर भी इरेशनल कंसीडर करते हैं, पाई फिर भी इरेशनल कंसीडर होता है जी, तो इसका मतलब है या तो हमने डेफिनेशन ही सही नहीं लिखी या फिर हमें अभी समझ नहीं आई कि रेशनल और इरेशनल में फर्क कैसे करना है। डेफिनेशन ठीक है, हमें अभी समझ नहीं आई कि रेशनल और इरेशनल में फर्क कैसे करना है, इसलिए थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है ताकि हमें पता तो चले ना रेशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। पाई चैलेंज बन के सामने आ गए, पाई चैलेंज बन के सामने आ गए, तो इसलिए हमें मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो आप लिखें जरा सेकंड स्टैंडर्ड इसी का, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, डेसिमल की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, डेसिमल की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। भाई ये कोई अलग चीज नहीं पढ़ा रहा, रेशनल और इरेशनल की हमें समझ जो नहीं आई इसलिए और पढ़ रहे ना, और स्टैंडर्ड देख रहे हैं यार, रेशनल और इरेशनल दोनों वाजे तो हो ना, दोनों में फर्क ही नहीं पता चला अभी तो, इसलिए मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है ना, हाँ। अच्छा जी, तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल्स, तो लिखे आप डेसिमल जो है ना ये दो किस्म के होते हैं, डेसिमल दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल दो किस्म के जी, भाई हम रेशनल और इरेशनल दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं ना, दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, उसके लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैंने कहा जी टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग, इनके आगे जरा पहले आप ब्रैकेट में लिखो क्यू, पहले ब्रैकेट में लिखो क्यू, फिर मैं समझाऊं मिसाल से, क्यू लिखो, क्यू किसके लिए है, रेशनल के लिए है ना, भाई क्यू किसके लिए, रेशनल के लिए, तो टर्मिनेटिंग के आगे जरा लिखो क्यू, फिर मैं मिसाल दूं, टर्मिनेटिंग खत्म होने वाले, टर्मिनेटिंग खत्म होने वाले, यानी वो डेसिमल्स जो खत्म होते हैं
उनको हम रेशनल कहेंगे, क्यों कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखो इधर 1/2 जवाब आता है 0.50, आगे तो डिजिट नहीं चल रहे होते ना। 1/2 जवाब क्या आता है 0.50, जवाब क्या आता है 0.50। तो 0.50 ये टर्मिनेट कर गया ना, खत्म हो गया ना, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स हैं वो रेशनल होते हैं, क्यों होते हैं? इसलिए मैंने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल। क्यों? तो मैं मिसाल दिया ना मैंने 1/2 दैट इज 0.50। ठीक हो गया जी? उधर बैठो ना, आया तंगी करना, उधर बैठो। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके आगे दो क्लासिफिकेशंस बनाओ जी, दो क्लासिफिकेशंस बनाओ। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो क्लासिफिकेशंस बनाओ जी। एक लिखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फर्स्ट। सेकंड लिखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दो किस्म के, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। लिखें फिर मैं मिसालें दूं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसके आगे आप जरा ब्रैकेट में लिख लो। क्यों लिखो इनके आगे ब्रैकेट में? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग ब्रैकेट में लिखो क्यों, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ब्रैकेट में लिखो क्यू प्राइम। ये दोनों लिखो जरा, फिर मैं मिसालों से समझाता हूं। आप समझते हैं ना क्यू किसके लिए और क्यू प्राइम किसके लिए है? भाई क्यू रेशनल के लिए है ना, रेशनल के जाहिर किया ना, क्यू प्राइम ये रेशनल के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नाम पे गौर करो, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग ना खत्म होने वाले और रिपीट होने वाला। रिकरिंग मीन रिपीटिंग ना, रिकरिंग रिपीटिंग होता है। कहते नहीं आप रिकरिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान है, रिपीटिंग ना, रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले, रिकरिंग रिपीट होने वाले, ये किस में आएंगे? क्यू में, मतलब रेशनल में। मिसाल के तौर पे कैसे? देखो इधर 0.333333 सो ऑन एंड सो फोर्थ, खत्म नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रिपीट हो रहे ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग किस कैटेगरी में आते हैं? क्यू की कैटेगरी में, मतलब रेशनल। ये मेरी मुराद। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 0.37215 सो ऑन एंड सो फोर्थ, देखो खत्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहे ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग से ये मुराद है मेरी, खत्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो रही हो। ठीक है, तो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्यू प्राइम। क्यू प्राइम क्या? इरेशनल। अब जरा वापस तो आओ, जिसकी वजह से आप चल के गए थे, ये डिस्कशन की थी, पाई। पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं आप? आप लिखते हैं ना 3.1428 सो ऑन एंड सो फोर्थ, यही लिखते हो ना पाई की वैल्यू। भाई आप देख रहे हैं खत्म तो नहीं हो रहा, खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, वो क्यू प्राइम में आता है, इरेशनल में। सैयद फरहान रजा, हाँ मैं आपका आंसर करता हूँ। आप ये ना समझ लें कि सर ने कहा है कि बस 3 3, इसी को रिकरिंग बोलेंगे, ये भी हो सकता है ना। 0.12121212, ये भी हो सकता। 0.321321321, कहने का मतलब है एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, समझ गए सैयद फरहान? ये पैटर्न रिपीट होना चाहिए ना। ये तो रिकरिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है ना, बस एक 3 3 आप रटा मार लें, साहब ने कहा था बस 3 3 करना है। ठीक हो गया। तीसरा और लास्ट स्टैंडर्ड एक और लिखो, हम रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं भाई, हम रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं।
डेफिनेशन काफी नहीं थी, तो फिर हमने एक और स्टैंडर्ड रखा डेसिमल की बुनियाद पे। अब एक और तीसरा स्टैंडर्ड लिखें रेशनल और इरेशनल के बारे में। तीसरा स्टैंडर्ड आप लिख लें, आप लिखें तीसरा स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वेयर रूट, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट की बुनियाद पे, स्क्वेयर रूट की बुनियाद पे, ठीक है। तीसरा स्टैंडर्ड है जी स्क्वेयर रूट की बुनियाद पे। सादा सी बात यह है, अगर सॉल्वेबल स्क्वेयर रूट हो ना, सॉल्वेबल स्क्वेयर रूट, उसको कहना रेशनल। क्यों? फॉर एग्जाम्पल देखो, स्क्वेयर रूट 16, आपको पता है 16 4 का स्क्वेयर होता है ना, ये कट जाएगा तो 4 बाहर आता है ना, तो ये सॉल्वेबल से मेरी ये मुराद है, सॉल्वेबल से मेरी ये मुराद है, ठीक है। और इनसॉल्वेबल स्क्वेयर रूट, इनसॉल्वेबल स्क्वेयर रूट वो क्यों प्राइम होते हैं जी, इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्क्वेयर रूट 13 नहीं ना हल होता भाई, स्क्वेयर रूट से बाहर नहीं आता ना स्क्वेयर रूट 13, तो मैं बोलूंगा ये रेशनल। यानी तीन तीन स्टैंडर्ड हमने देखे रेशनल और इरेशनल में फर्क करने के लिए, रेशनल और इरेशनल में फर्क करने के लिए, ठीक हो गया। और इसके अलावा, इसके अलावा इवन और ऑड तो आपको वैसे ही पता होते ना, है इवन में कौन कौन से आते हैं भाई, 0, 2, 4, 6, 8, 100 याद नहीं क्यों है? अच्छा, ठीक है, 8 जी, 1, 3, 5, 7, 100 सौ। तो मैं आपको ना दे दूं क्लास पढ़ाने के लिए है। अच्छा जी, इवन इवन जो है ना, वो इवन होंगे 0, 2, 4, 6, 8, 100 104, 8, 1, 3, 5, 7, ये 8 में आते हैं, ठीक हो गया जी, समझ गए। तो बेसिक बेसिक नंबर्स का हमने इंट्रोडक्शन किया है। अब नेक्स्ट आप लिख लें, 5 मिनट में आपको फिर ब्रेक दे देता हूं मैं, एग्जैक्ट 5 बजे। परसेंटेज का टॉपिक भी पढ़ना हमने, परसेंटेज इसमें से भी सवाल पूछ रहे वो, तो परसेंटेज का सवाल, परसेंटेज का सवाल जब भी आए तो आपको लफ्ज परसेंट वो लाजमी लिखेगा स्टेटमेंट में, परसेंट लफ्ज लिखेगा। आपने पहला काम ही ये कर लेना है कि आपने आपने परसेंट लफ्ज को तोड़ के पढ़ना है भाई, ये पार अलग कर लेना और सेंट अलग, ये पार अलग करो ना, पार मींस दिस स्लैश, ये वही वाला पार है। आप जैसे फीस जमा कराए ना तो कहते हैं यार 30,000 पर हेड लिखते ना ऐसे, तो परसेंट में भी पार यही है, ये स्लैश डिवीजन को शो करता है, डिवीजन को शो करता है, ठीक है। और सेंट, सेंट तो सेंचुरी से निकला ना, सेंट ये सेंचुरी से निकला है, सेंचुरी मीन 100, सेंचुरी 100 को कहते हैं, ठीक है। और परसेंटेज हमेशा किसी चीज की होती है, ऑफ लाजमी कहेगा, ऑफ को आप यूं जाहिर करेंगे ब्रैकेट से, ऑफ को आप यूं जाहिर करेंगे। ये मैंने तीन आपको सैंपल्स बताए जी परसेंटेज, जब भी सवाल परसेंटेज के आए तो परसेंट, परसेंट जो लफ्ज है परसेंट वो तोड़ के पढ़ना आपने, पर अलग, सेंट अलग, ऑफ अलग, पर मीन दिस स्लैश, मैंने आपको मिसाल दी ना ये 30,000 पर रेट जैसे लिखते हो, सेंट सेंचुरी से है तो 100, और ऑफ को आप जो ब्रैकेट से जाहिर करेंगे, ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, देखना जरा, ये ट्रिक लिखी है मैंने आपके सामने इस तरह के सवालों के लिए, परसेंटेज के सवालों में। मसलन देखो इधर, फाइंड 20% ऑफ 1,000, फाइंड 20% ऑफ 1,000, बोर्ड पे देखना जरा इधर, 20% ऑफ 1,000, परसेंट पर अलग करो सेंट अलग, क्या बोल रहे हो, 20% 20 पर को यूं स्लैश से, सेंट यूं 100 सेंचुरी से, ऑफ को यूं लिखना सिखाया ना, ऑफ व्हाट 1,000, इधर इक्वल लगा लो, ये दोनों काटो तो 200,
20 को 10 से मल्टीप्लाई करें ना, 200 इज 20% ऑफ 1000, 200 इज 20% ऑफ 1000। बात समझो, ये पर सेंट और ऑफ का क्या मतलब है। जब भी परसेंटेज के सवाल आएंगे ना, परसेंटेज के सवाल जब भी आएंगे तो आप परसेंटेज के सवालों को लफ्ज परसेंट वो लाजमी लिखेगा स्टेटमेंट। तो जब पर्सन लफ्ज लिखता है तो आपने लफ्ज तोड़ के पढ़ना है, पर अलग, पर का ये मतलब है स्लैश। मैंने आपको मिसाल दी ना पहले, सेंट सेंचुरी से ना, 100 को भी ऑफ इस तरह ब्रैकेट से जाहिर करेंगे, क्यों परसेंटेज हमेशा किसी चीज की होती है ना, परसेंटेज किसी चीज की होती है। ठीक है, तो वही मैंने छोटी सी एक मिसाल दी आपको कि फाइंड 20% ऑफ 1000। तो देखें, परसेंट लफ्ज मैंने तोड़ के पढ़ा, 20% पर सेंट, 120% ऑफ को यूं ब्रैकेट से लिखना सिखाया ना ये, ऑफ बट 1000, क्योंकि परसेंटेज हमेशा किसी चीज की होती है। ये कट जाएंगे दोनों तो 200 आगे, 200 इज 20% ऑफ 1000। बात समझियो, तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, फार्मूला नहीं बताया अभी, ये तो ट्रिक बताई है, फार्मूला अभी नहीं बताया। यानी परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करते हुए आप लिखेंगे यूं परसेंट ऑफ, ये ट्रिक है, ये आपने एग्जाम में लिखनी भी नहीं होती आपने, ये आपकी अपनी आसानी के लिए ताकि आप जल्दी सवाल हल कर लेना। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट लेंगे लेकर तो सॉल्व करेंगे। आप नमाज पढ़ लें, 10 मिनट की ब्रेक करेंगे जस्ट, हैं जस्ट 10 मिनट की ब्रेक करें, नमाज पढ़ के आ जाए फौरन। ठीक है, तो फिर यहीं से शुरू करेंगे परसेंटेज से, 10 मिनट। अजान हो गई है 5 मिनट पहले हुई। वही तो 5 मिनट पहले हो चुकी है अजान है, बस पढ़ लो, कुछ नहीं होता 5 मिनट ऊपर नीचे करने से। ठीक है, तो आ जाएं आप एग्जैक्ट 10 मिनट बाद वापस आ जाएं। मैं 5 बज के, मेरे पास एग्जैक्ट 5 बज के 2 मिनट हो गए, मैं 5:12 पे स्टार्ट कर लूँ। राइट, किधर लिखा है? स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ गए सारे लोग जी? ये कर रहा ना यार, उधर बैठ जाओ, आप नहीं नजर आ सकते, उधर नजर नहीं आते, बैठो उधर, छोटे हो। अच्छा जी, अब जरा ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, परसेंट ऑफ, यही जरा अप्लाई करते हैं ना स्टेटमेंट्स के ऊपर, जरा स्टेटमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि ये परसेंट ऑफ, ये छोटी सी एक मिसाल तो ली है, लेकिन जरा एक वर्ड प्रॉब्लम रखते हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप लिखें एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है इन अ पार्किंग देयर आर 800 कार्स इन विच 80% कार्स आर पाकिस्तानी मेड। फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स, फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स।
देखें वही ट्रिक हमने अप्लाई करनी है जी, सेम 80% बोल रहे ना, यानी आप सॉल्यूशन में इसको लिख लेंगे, आपको टोटल कार्स कितनी दी हुई है उसने, वो बोली है उसने जी 800 है, कहते हैं 80% कार्स पाकिस्तानी है, तो नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स निकालो ना, नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स, देखो बोल रहा है 80% लफ्ज पे गौर करो, 80% 80 पर दिस, पर ये लिखना सिखाया ना, पर 80% 100 को क्या 80% ऑफ को यूं लिखते हैं, ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दैट पार्किंग, ये हो गई 800, काटो इसको तो क्या बनेगा 0 64, 640 कार्स आर पाकिस्तानी, 640 कार्स आर पाकिस्तानी, ठीक हो गया। देखें वही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, परसेंट ऑफ, वो भी हमें ट्रिक लिखने की आती है, पर कैसे लिखना है, सेंट कैसे लिखना है और ऑफ कैसे लिखना। बोल रहा था 80% कार्स हैं, तो आप तादाद निकाल लो उनकी, 80% जो ही बोला है 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स, दैट इज 800 गिवन द क्वेश्चन, बात समझे हो। एक और एग्जांपल लिखें जरा, फिर एक और एग्जांपल लिखें, एग्जाम्पल नंबर टू कर लो, इसी तरह की एक और स्टेटमेंट लेते हैं ना छोटी सी, उसके ऊपर फिर अप्लाई करते हैं ये कॉन्सेप्ट। नहीं अच्छा जी, कहता व्हेन 60 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, देन द रिजल्टिंग नंबर, देन द रिजल्टिंग नंबर इज 60, वट इज द नंबर, वट इज द नंबर, जल्दी से लिखें जी, लिख लिया है। जी लिख लिया स्टेटमेंट, फिर मैं वही ट्रिक अप्लाई करूं इस पे भी, जो भी बोला ना मैंने 60 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। इधर एक नई बात सीखने वाली है जी, देखो इधर जरा, ऑफ अ नंबर, अ नंबर तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो एक जनरल बात बता रहा हूं कि जब भी मैथ में कोई चीज मालूम ना हो ना, आप उसको सपोज किया करो, पहले लेट द नंबर बी एक्स, जब भी कोई चीज मालूम ना हो तो उसको आप पहले सपोज किया करो, तो सोल्यूशन में मैं लिखता हूं नंबर का हमें पता नहीं है, तो लेट लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, ये जनरल बात है, ये सिर्फ इस सवाल ये इस टॉपिक के लिए नहीं बता रहा, जब भी मैथ में कोई चीज हमें मालूम नहीं हो, जब भी हमें मैथ में कोई चीज मालूम नहीं हो, हम उसको पहले सपोज कर लेते हैं लेट इट बी एक्स, ये हमेशा हर टॉपिक में इस तरह ही चलेगा, ये सिर्फ कोई परसेंटेज के सवाल के लिए नहीं बता रहा, ठीक है, ये जनरल एक बात हमने पढ़ी। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ो, व्हेन 60 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 60%, इधर बोर्ड पे देखो भाई, 60 इज सबट्रैक्टेड, 60 को निकाला गया किस में से, फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, 60% पर सेंट ऑफ, ऑफ को यूं लिखते हैं अ नंबर, दैट इज एक्स, देखो जो वो कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं, कहते 60 इज सबट्रैक्टेड 60 को निकाला गया फ्रॉम किस में से, 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ अ नंबर, तो फिर कहते देन द रिजल्ट इज इक्वल टू, देन द रिजल्ट इज इक्वल टू 60, तो रिजल्ट क्या आया
60 जो उसने कहा हमने वही किए, सिर्फ लिखने का तरीका आता था। ठीक है, ये काट लो इसके साथ तो क्या आ जाएगा, 6x/10 इज इक्वल टू 60। ये वाला 60 माइनस का इधर दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 60। बस वो पहले मैं बता रहा था, कुछ अभी नहीं। अच्छा जी, तो 60 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, 6x/10 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 120। ठीक है जी, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। इसके बाद हमें x निकालना है ना, तो 6x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये नीचे 10 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के एक तरफ कोई चीज डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होती है ना। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू ये 1200 हो जाएगा, x निकालना था ना, तो 1200 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड, तो काटो नहीं इसको, 2 and 00 200, तो x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी, स्टेटमेंट समझ आई कि परसेंटेज के सवालों को हम किस तरह टैकल करते हैं। परसेंट लफ्ज को लिखने का तरीका आता है हमें, और जब इधर एक नई बात साथ सीखी है, नई बात ये सीखी है कि जब कोई चीज मालूम ना हो उसको हम सपोज करते होते हैं, लेट इट बी एक्स। ये तो हमेशा मैथ में इस तरह ही करेंगे, आगे जाके भी, सिर्फ एक टॉपिक के लिए तो नहीं बताया। ठीक हो गया जी, मैं आगे चलूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 कर लो ना, मुझे तो अंडरस्टर यार किधर ले जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखें आप, एग्जांपल 3 कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, राव तैयब बेटा मैं फास्ट तो करा दूंगा, लेकिन क्लास में वो वाले भी बैठे होते हैं ना जिन्होंने मैट्रिक के बाद मैथ नहीं पढ़ी होती, तो मैंने उनको भी साथ लेके जाना है। ठीक है, वरना सिर्फ मैथ वालों को ही देखना हो तो इतनी देर में 6 टॉपिक ना करा चुको। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने मैट्रिक के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी, सारे SHO वही तो नहीं लगते ना जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हो। ठीक है, अच्छा लिखो एग्जांपल नंबर 3। परसेंटेजेस का सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल आप थाने में जाके फिर परसेंटेजेस वसूल करेंगे, फिर ऊपर भी परसेंटेजेस देंगे। हाँ पता तो ना परसेंटेज निकालते किस तरह। अच्छा नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, एक और स्टेटमेंट है, कहता जी 15 liters ऑफ अ मिक्सचर, 15 liters ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स 20% अल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर। If 3 liters of water be mixed in it, what is the percentage of alcohol in the new mixture, in the
न्यू मिक्सचर क्विक शाबाश स्टेटमेंट लिखें जरा क्विक लीजिए लिख लिया अच्छा कहता है मिक्सचर है मिक्सचर तो हमें पता है यार कम से कम दो चीजें होंगी एक चीज का तो मिक्सचर नहीं होता एट लीस्ट दो चीजें होंगी ठीक है अब क्या क्या दो चीजें जी वाटर है और अल्कोहल है वाटर है और अल्कोहल है टोटल मिक्सचर आपको दे दिया 15 लीटर्स है टोटल मिक्सचर is given to you that is 15 liters that is 15 liters कहता 20% अल्कोहल है ये नहीं बताया अल्कोहल कितने लीटर है ये नहीं बताया कि अल्कोहल कितने लीटर बस कहता 20% अल्कोहल परसेंट हमें लिखना आता है ना 20% कह रहे हो 20% ऑफ व्हाट टोटल मिक्सचर वो तो 15 लीटर ये कार्टून है इसके साथ पांच से ये काटो इसके साथ तीन से तो 3 लीटर इसका मतलब है कि अल्कोहल तो 3 लीटर है कि अल्कोहल तो 3 लीटर है भाई टोटल मिक्सचर था 15 लीटर कहता है 20% अल्कोहल है 20% अल्कोहल है और उसमें से 20% अल्कोहल तो 20% जब हमने लिखा है लिखने का तरीका में बता 20% ऑफ व्हाट टोटल मिक्सचर तो जवाब है 3 लीटर उसने नहीं बताया था 3 लीटर शराब है उसने कहा था बस 20% है परसेंट लिखा हमने हमें पता चला यार वो तो 3 लीटर शराब है तो रेस्ट इज वाटर बाकी पानी है रेस्ट इज वाटर तो 3 लीटर शराब है अगर तो फिर 15 में से 3 निकालो तो बाकी 12 बचता है इट मीन 12 लीटर फिर पानी हुए ना ठीक है अब यहां से आगे स्टेटमेंट में कहते हैं इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट कहते हैं इसमें अगर पानी 3 लीटर मिक्स करो इफ 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट 3 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट 3 लीटर पानी अगर मिक्स करो उसमें अच्छा पहले था 12 लीटर पानी नाउ वाटर इज कितना हो गया जी 12 में 3 जमा करो ना 15 तो 15 लीटर हो गया 15 लीटर्स हो गया ठीक है जी तो 15 लीटर हमारे पास अब पानी है और 3 लीटर वही शराब है अब कहता है नए मिक्सचर के अंदर जिसमें आपने पानी ज्यादा डाल दिया है कम गाढ़ा कर दिया है उस मिक्सचर को अब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल निकाल तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल पूछे देखो ये तो स्टेटमेंट में जो कुछ उसने दिया हमने वो किया सिर्फ हमें परसेंट लिखना आता था बस ठीक है सिर्फ हमें परसेंट लिखना आता था बस अच्छा जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर अच्छा ठीक हो अच्छा जी
अब परसेंटेज हमने निकालनी है इस नए मिक्सचर में अल्कोहल की परसेंटेज, तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, एक नई बात है आपको सिखाने वाली। कहता हमने, हमें कहता है परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। अब इधर देखना जरा बोर्ड पे, मैं आपको एक वो वाली मिसाल देता हूं जो आपने अगर साइंस पढ़ी है तब भी, तो आर्ट्स पढ़ी है तब भी, आप सब उस एग्जाम्पल से फेमिलियर हैं, तो मैं उस मिसाल से समझा देता हूं। आप जरा याद करें, अपने डीएमसीज पे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, क्या करते थे आप? लिखते थे जी मार्क्स ओबटेंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स या ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही करते थे। याद है आप सब लोगों को, जब भी आप अपने डीएमसीज के ऊपर मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, आप लिखते थे परसेंटेज ऑब्टेंड मार्क्स ऊपर, नीचे लिखते थे टोटल मार्क्स या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आप सब ने किया है, साइंस पढ़ी है तब भी, तो आर्ट्स पढ़ी है तब भी, आप सब ने ये किया है, इसलिए ये मिसाल दी है मैंने। तो इसका मतलब ये है, इस मिसाल को हम जहन में रखते हैं ना, जहन में रखते हुए हम आइंदा के लिए जनरलाइज कर लेते हैं ना, आइंदा हमसे जिसकी परसेंटेज मांगे ना, जब हम ये करेंगे ऊपर वो लिखेंगे जिसकी परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ऑब्टेंड मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे तो ऊपर ऑब्टेंड मार्क्स लिखते थे, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक हो गया, इस मिसाल को जहन में रखा और फॉर्मूला डेवलप कर लिया आइंदा के लिए, जिसकी परसेंटेज हमसे मांगोगे उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपसे अल्कोहल की परसेंटेज मांग रहा है तो ऊपर अल्कोहल लिखो ना फिर, डिवाइडेड बाय टोटल टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब अल्कोहल तो अभी हमने निकाली थी ना, कितनी है जी ये है ना 3 लीटर, डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर कितना है 15 लीटर पानी है, 3 लीटर शराब है, ये 15 और 3 18 हो गया ना टोटल, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये काटो ना इसके साथ 6, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 6 तो क्या आ जाएगा 16.66 इतने परसेंट है ये। तो नई बात क्या सीखी है, नई बात कैसे क्या सीखी है, नई बात हमने ये सीखी कि फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया है परसेंटेज का, फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया है परसेंटेज का, कि जिस चीज की परसेंटेज होगी उसको ऊपर निकालनी है, उसको ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 18। कैसे हो गया देखो ना भाई, 15 लीटर तो पानी है, तो 3 लीटर शराब भी है ना, वो हमने निकाल लिया क्या? और मिक्सचर में परसेंटेज पूछ रहे ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, सवाल पढ़ो। मिक्सचर किसको कहते हैं, सिर्फ पानी को मिक्सचर कहते हैं? और भाई सिर्फ पानी को मिक्सचर कहते हैं? तो टोटल मिक्सचर लिखना ना नीचे, तो 15 लीटर पानी तो 3 लीटर शराब भी तो है ना, मिक्सचर तो तभी बना हुआ है, पानी ज्यादा ऐड किया है ना, शराब निकाली तो थोड़ी है हमने, कोई तो 15 और 3 18 हुए ना भाई, टोटल मिक्सचर 18 है ना, बात समझे हो? इज इट क्लियर नाउ? तो इस सवाल में हमने नई बात क्या सीखी कि हमने फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया परसेंटेज का। मैंने आपको स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है, जनरल स्टेटमेंट दी है, मैंने कहा जिस चीज की परसेंटेज निकालने को बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय, याद ना रहे कभी तो हम फौरन वो डीएमसी वाली मिसाल जहन में ले आए, हम फौरन डीएमसी वाली मिसाल जहन में ले आए। ठीक हो गया, अच्छा जी नेक्स्ट जरा एक और सवाल लिखें, एक सवाल और लिखें। मुझे दो नाना है या डिस्टर्ब ना उठा है। एग्जाम्पल नंबर क्या बनती है भाई, 4 कर लो है, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लो। आप लिखें
आमेन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट RS 500 पर kg. In addition, he has to pay a consumption tax of 6% on the total selling price find the amount of money that he has to pay that he has to pay likho ji jaldi se क्विक शावश अ मैन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट RS 500 पर kg इन एडिशन ही हैज टू पे अ कंजम्पशन टैक्स ऑफ 6% ऑन द सेलिंग प्राइस फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज टू नहीं करो ना क्या कर रही हुई हाँ तो हिल रहा ना उसके साथ ही छोड़ो चलो उधर जाओ वहां बैठो आराम से अच्छा जी स्टेटमेंट लिख लिया है अब बोर्ड पे देखो जरा कैसे चलेंगे देखो कहता है मेन बाइस 5 kg ऑफ मीट एट RS 500 पर kg 1 kg मीट कितने का है उसने खुद कह दिया है 500 का 5 kg कितने का होगा 2500 का भाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना 10 kg तो 10 से मल्टीप्लाई अब कहता है ये 2500 तो वो हर सूरत देगा ना दुकानदार को अगर गोश्त खाएगा 2500 तो वो हर सूरत देगा दुकानदार को 2500 तो वो हर सूरत देगा दुकानदार को लेकिन इसके ऊपर वो 6% टैक्स भी देगा देखें परसेंट कह दी आप कहते टोटल अमाउंट ऑफ मनी बताओ जी टोटल टोटल अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर पेइंग 6% टैक्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर पेइंग 6% टैक्स देखो 2500 तो हर सूरत दे रहा है टैक्स तो जमा होता है ना है तो प्लस टैक्स कितना 6% परसेंट लिखना आता है आपको 6% कह रहे हो 6% यूं ही लिखना सीखा है ना 6% ऑफ व्हाट टोटल सेलिंग प्राइस आपको यूं लिखते हैं टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 2500 है ना टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 2500 है ना भाई ठीक है तो ये क्या बन जाएगा ये काटो जरा इसके साथ तो प्लस 150 तो 2650 बात समझियो सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है मैं अभी कोई 16 या 17 का पेपर देखना कहीं इसी एक पेपर में परसेंटेज का ठीक है देखे ना खुद कह देते हैं इन एडिशन टू दिस टैक्स जमा करना है ना तो ओरिजिनल प्राइस पे जमा कर दिए अगर विदाउट टैक्स कह देता जी 6% टैक्स माइनस कर लेते हम माइनस करना का मतलब 6% टैक्स कम करना है तो कम करने का मतलब माइनस कर देना बात समझ रहे हो लेकिन हर बार कर हम वही रहे परसेंट ऑफ
बस दो एक बातें बीच में नई भी सीखी हैं कि क्या जब भी कोई चीज मालूम ना हो तो हम उसको सपोज करते हैं एक्स, वो तो जनरल बताया है सारे सवालों के लिए, हमेशा अगले टॉपिक्स के लिए भी ठीक। और जब हमें परसेंटेज का फार्मूला भूल जाए कभी, तो फार्मूला भी सीख लिया, याद रख लिया। किस तरह से, एक मिसाल ली हमने जो हम छोटी क्लास में से पढ़ते आ रहे थे, वो मार्क्स ऑब्टेंड वाली, कि जिस चीज की परसेंटेज मांगोगे उसको ऊपर ही लिखेंगे, डिवाइड बाई टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाई। ठीक हो गया जी? तो यूं आपने परसेंटेज के सवालों को टैकल करना होता है, राइट? नेक्स्ट, अब एवरेज वगैरह भी पूछता है, वो तो लिख लें, एवरेज लिख लो, रेशो या रेशो लिख लो अभी। हाँ, एक एंगल रेशो का करा देता हूँ फिर, तो नेक्स्ट उसी से आगे चलेंगे। लिख लो रेशो, रेशो को ऐसे कॉलम से जाहिर किया होता है जी। इसके भी मैंने एक दो सवाल देखे हैं जी, रेशो के भी, पास पेपर चेक कीजिएगा जरा। रेशो कॉलन से जाहिर किया जाता है, रेशो कॉलन से जाहिर किया जाता है, ठीक है? रेशो होती क्या है जरा, इट इज द कंपैरिजन। कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, एक जैसे यूनिट्स वाली चीजें। ठीक है जी, जल्दी से लिखो जरा, नया तंग हुई बस जी, खत्म करता हूँ मैं 15 मिनट बाद, बस खत्म क्लास। ठीक है, आप चले जाओ उधर, बैठ जाओ जाके, वो आप ही के साथ बातें करूँगा उधर, वो अंदर रमशा भी के पास बैठ जाओ, बाहर नहीं जाना, अंदर बैठ जाओ उधर, ठीक है? उधर चेयर पे बैठ के बातें करो, मैं आता हूँ 15 मिनट में। अच्छा जी, तो मैंने कहा जी कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों का कंपैरिजन। एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों से क्या मुराद है, एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों से मुराद है मसलन लेंथ हो ना, लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ, लेंथ हो तो लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ, मैस है तो मैस का कंपैरिजन मैस के साथ। अगर लेंथ का कंपैरिजन मैस के साथ किया ना, वो फिर रेशो नहीं रहता मैथ में, वो एक और चीज बन जाती है जिसको रेट कहते हैं। हम तो रेशो पढ़ रहे हैं ना, हम तो रेशो पढ़ रहे हैं ना, रेट्स तो नहीं पढ़ रहे। बात समझ रहे? तो अब लिखते कैसे हैं, कॉलन से जाहिर तो करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे? ए रेशो बी, ए रेशो बी मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय बी, ए रेशो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी। मोहम्मद उसामा रिपीट कर कीजिएगा सर, क्यों सर बादाम खा के आते हैं, हैं क्या रिपीट करना बताओ, जल्दी बोलो ना जरा, कमेंट करो जल्दी से। मैं सुन लें, मैं ये बता रहा हूँ कि ऊपर ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, सेम यूनिट्स, सेम यूनिट से ये मुराद है, वो मैंने मिसाल दी है लेंथ मैस की, ठीक है? मसलन देखे ना, मोहम्मद रमजान सर परसेंटेज का फार्मूला नहीं बताया आपने। हाँ जी सर, इसको बताओ फार्मूला बताया या नहीं बताया, अभी हम क्या सीख रहे थे? और जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है ऊपर, वो लिखते हैं डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। जनरलाइज करा रहा था मैं, क्या करा रहा था, वो फॉर्मूला ही था भाई। मैंने एक जनरल बात बताई ना आपको कि जिस भी चीज की परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर अगर याद ना रहे तो वो मैं मिसाल किस लिए दे रहा था, मार्क्स ऑब्टेंड वाली, याद रखने ना, ठीक है? अस्नेन नेकुकारा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, ये अलग से पढ़ाऊंगा, इसमें तो नहीं बता सकता, ये अलग से पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शंस छोटी बड़ी डिसाइड कैसे करते हैं, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स में बताऊंगा। तो अगली क्लास में वो
बेसिक चीज है ना, कभी मल्टीप्लिकेशन करनी आ जाए आपको, मल्टीप्लिकेशन करनी है डेसिमल्स की, कैसे करनी है बगैर कैलकुलेटर के, बड़े नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फ्रैक्शंस छोटी बड़ी का कैसे डिसाइड करते हैं, ऑपरेटर्स कौन से यूज़ करते हैं, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, है ठीक है। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि सेम यूनिट से मुराद है लेंथ, है ना, अगर तो लेंथ को लेंथ लेंथ के साथ कंपेयर करना है, मतलब कंपैरिजन एक जैसे यूनिट्स वाली चीजें हों, मैथ अलग चीज है ना, लेंथ अलग चीज है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे ना, अगर ऐसी दो क्वांटिटीज का, वो रेशो नहीं होगा, वो मैथ में अलग चीज होती है रेट्स। दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन करो ना, वो रेट्स के अलग, एक जैसी चीजों का कंपैरिजन करो तो उसको हम रेशो कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कब बोला था, अब मैंने कहा है रेशो को आप जाहिर तो कॉलन से करते हो, लेकिन मतलब क्या लोगे इसका, मतलब लोगे ए रेशो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी। मैं आपको ये बोलूं 4:5 आप लिखेंगे इसको 4/5, यानी इसको लिखने का ये तरीका होता है, इसको लिखने का ये तरीका होता है, ठीक हो गया। अगर इसी तरह कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लेना, ये रेशो में जो पहले वाला होता है ना, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और ये जो बाद वाला होता है ना, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। रेशो में पहले वाला एंटीसीडेंट कहलाता है, बाद वाला कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। रेशो में पहले वाला एंटीसीडेंट, बाद वाला कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंस से निकला हुआ है ना। और मैं आपसे पूछूं 7:9, इसमें बताओ जी एंटीसीडेंट कौन सा है, तो क्या बताओगे, हैं बताओ इसमें एंटीसीडेंट क्या है। 7, यानी जो रेशो में पहले वाला नंबर होता है ना, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, बाद वाले को कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंस है ना, ठीक है। अच्छा अब रेशो के सवालों को पहचानना कैसे है, हमें कैसे पता चलता है यार रेशो के सवाल, जैसे परसेंटेज के लिए मैंने कहा है ना कि वाजे परसेंट लफ्स लिखेगा, वो हर सूरत लिखेगा परसेंटेज के सवाल, परसेंट लफ्स लिखता है, ठीक है। अब रेशो के सवालों को कैसे पहचानना होता है, इसके लिए एंड से या तो वो रेशो वर्ड लिखेगा, अगर ना लिखे तो यूं कोलन लगाएगा ये, अगर ये भी ना करे तो लफ्ज शेयर लिखता है, लफ्ज शेयर लिखता है, ये इसकी पहचान है रेशो वाले सवालों का। जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट हो ना रेशो के सवाल है, तो पहचानना कैसे यार ये रेशो का ही सवाल है या कोई और है, तो कैसे पहचानोगे, रेशो का वर्ड लिखेगा, अगर ना लिखे तो कोलन लगा देगा ये, अगर ये भी ना करे तो शेयर, शेयर ऑफ व्हाट, शेयर ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई चीज आपसे डिस्ट्रीब्यूट करा रहा होगा ना, कोई चीज आपसे डिस्ट्रीब्यूट करा रहा होगा, ठीक है, उसको हम कह देते हैं शेयर, शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लिख लिए हैंड्स, अब जरा रेशो का एक सवाल लिखते हैं ना, रेशो का एक सवाल लिखते हैं, आप एक स्टेटमेंट लिखें जरा, मैंने अभी परसेंटेज पढ़ाई है, मैं साथ वो भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 1 कर लो, इफ 40% ऑफ अ नंबर, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3, 2/3 ऑफ एनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर,
लिखो शाबाश जल्दी से. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर? ओके जी, सॉल्यूशन में आए. देखें तो 40% ऑफ आ नंबर. आपको पता है आ नंबर क्या है? ये तो हमें नहीं पता. हैं? इक्वल टू टू थर्ड ऑफ अनदर नंबर, ये भी हमें नहीं पता. मैंने अभी एक बात बताई थी ना जनरल, कि जब मैथ में कोई चीज मालूम ना हो उसको पहले सपोज करते ना. वो एक जनरल बात बताई थी ना, सिर्फ एक सवाल के लिए तो थोड़ी बताई थी मैंने. हैं भाई, जब भी कोई चीज मालूम ना हो उसको हम पहले सपोज करते ना. तो आ नंबर हमें पता ही नहीं है, तो फिर पहले इसको सपोज करो. जनरल बात, लेट फर्स्ट नंबर बी, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स. इसी तरह सेकेंड नंबर बी, वो भी नहीं पता तो वाई. और दोनों तो एक्स नहीं हो सकते ना, एक भी एक्स है तो दूसरा भी अगर एक्स है तो फिर एन अदर किस लिए बोला है? डेफिनेटली डिफरेंट रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो कहता जी 40% ऑफ अ नंबर. बोर्ड पे देखो जरा, परसेंट लिखना मैंने अभी सिखाया है. 40% कह रहे हो, 40 पर यूं लिखते थे ना, सेंट 100 था ना, ऑफ यूं लिखते थे, ऑफ अ नंबर वो तो एक्स है. अ नंबर इज इक्वल टू टू थर्ड्स ऑफ अनदर नंबर टू बाय थ्री, ऑफ को यूं लिखते हैं ब्रैकेट से, अनदर नंबर इज वाई. देखो जो उसने कहा है हमें, हम वो ही कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका आता है. 4x by 10 is equal to 2y by 3. अब बीच में जब इक्वल हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बीच में जब इक्वल हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं अंदर में. ठीक है, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई. तो मैं इधर लिख देता हूँ, 12x is equal to 20y. 12x is equal to 20y. यहां तक लिख लिया. जल्दी से शाबाश. अच्छा बोला क्या था हमें? कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर. मतलब फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर वाई है. ये आपने फाइंड करना था ना, एक्स रेशियो वाई. आपको तो ये फाइंड करना है, एक्स रेशियो वाई. एक्स रेशो वाई का मतलब हम समझते हैं रेशो मीन डिवाइड ना. एक्स रेशो वाई मतलब एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई. असल में आपने ये लाना है, एक्स रेशो वाई मीन एक्स डिवाइडेड बाय वाई. तो मतलब इधर आपके पास ये एक्स है, इसके नीचे वाई लाना है. वाई इधर मल्टीप्लाई और इधर लाके डिवाइड कर दिए, इक्वल टू 20 अपनी जगह मौजूद. ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लाके डिवाइड कर दो. ये राइट साइड पे 20 अपनी जगह रखा है, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया ना, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स रेशो वाई चाहिए. एक्स रेशो वाई का मतलब एक्स डिवाइडेड बाय वाई होता ना, यही बताया था ना, ए रेशो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाय. ठीक है, तो काटो ना ये 4 के टेबल से हैं, 5 डिवाइडेड बाय 3 आ जाए. एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3. एक्स डिवाइडेड बाय वाई मीन एक्स रेशो वाई is equal to 5 divided by 3 means 5 ratio 3. 5 ratio 3. Again, ratio of first number to second number. यही पूछ रहा था ना, find the ratio of first number to second. Cross multiply कब कर सकते? उमर अफजल जब बीच में equal हो ना तब cross multiply होता है. ये ऐसे रकमें हो ना, यूं चार रकमें डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में लिखी हुई हूँ, दो इधर दो इधर, बीच में इक्वल हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए जाते हैं. तो वही किया है मैंने, बीच में इक्वल था तो क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है जी, बात समझ गए यहां तक? तो सिंपल हमने अभी सिर्फ ये समझा है कि रेशो का मतलब तो डिवाइड होता है, रेशो का मतलब तो डिवाइड होता है. तो ए रेशो बी मीन ए डिवाइडेड बाय बी, उसी को अप्लाई कर लिए एक स्टेटमेंट के ऊपर. ठीक है, अच्छा अभी बस यहां तक रखेंगे इसको. तो नेक्स्ट जो है ना,
रेशो के ऊपर अभी आपने डिस्कशन करनी है। मैंने एक सवाल सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है रेशो का, ठीक है, अभी रेशो पे आप नहीं जाएंगे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने और एक एग्जांपल कराई है जस्ट। तो अगली क्लास जब भी होगी, नहीं मोहम्मद रमज़ान रेशो का कोई अलग से फार्मूला नहीं है, रेशो को लिखने का तरीका आए और सवाल के अंदर पहचान आपको आए कि यार रेशो के सवालों को पहचानते किस तरह, ठीक है। तो आगे जाके मैं एक फार्मूला बताऊंगा, लेकिन वो फार्मूला नहीं कह सकते आप, रेशो लिखने का तरीका है, ठीक है। शेयर वाला कराऊंगा बिल्कुल, अभी अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल कराई है ना, एक एग्जांपल कराई। आमीन बुख्तावर, ठीक है जी, यहां तक समझे बात, जितनी बातें आज की हैं हमने ये समझ आई है। तो अभी मजीद डिस्कशन चलाएंगे ना यहीं से आगे। तो मुझे ये बताओ कि आपको मैंने साइंस किसी ने पढ़ा दिया या साइंस भी मैंने ही पढ़ानी, साइंस मेरे जिम्मे तो नहीं है ना, पढ़ाई है किसी और टीचर ने, पढ़ लिए साइंस, अच्छा जनरल साइंस, अच्छा बस ठीक है ठीक है, बस आप साइंस का हो गया फिर पोर्शन जितना भी हुआ है। आईटी वगैरह का पोर्शन नहीं कराया होगा मैम ने, चलें उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो बाकी भी मैथ वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है, चलें जी। ओके जी, गुड लक।